हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिल्म के बारे में। यह फिल्म 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसे जिसका निर्देशक वेंकट प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया। फिल्म ने विजय चार भूमिकाओं में, जिसका साथ प्रशांत, प्रभुदेवा, मोहन जयराम, अजमल, अमीर, वैभव योगी, बाबू प्रेमिगी, अमरेन, स्नेहा लैला, मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन। यह स्टूडियो को 25वां प्रोडक्शन है और जो और राजनीतिक प्रवेश से पहले विजय की यह अंतिम फिल्म है। फिल्म आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है, जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं के समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों में उपजी थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था, क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की 68वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 तक अंत तक पूरी हो गई। फिल्मांकन स्थानों में चेन्नई, थाईलैंड, हैदराबाद, श्रीलंका, पुडुचेरी, तिरुवनंतपुरम, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। फिल्म का संगीत उवान शंकर राजा ने तैयार किया है, छायांकन सिद्धार्थ नोनी ने किया है और संपादन वेंकट राजन ने किया है। 380 से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को 5 सितंबर 2024 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया, जिन्होंने विजय के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और चरमोत्कर्ष की प्रशंसा की, जबकि चरित्र विकास और लेखक की कमी की आलोचना की गई थी। और इन्होंने इस फिल्म में 2008 में केन्या में एमएस गांधी और उनके साथियों सुनील त्यागराजन, कल्याण सुंदरम और अजय गोविंद से मिलकर बना विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ता के साथ आतंकवादी उमर को पकड़कर उससे यूरेनियम निकालता है। उनके पूर्व प्रमुख राजीव मेनन, जो देशद्रोह के आरोप के बाद फरार है, भी उसी ट्रेन में वे मेनन में यूरेनियम वापस लेते हैं और जिस ट्रेन में वह सवार थे उसे नष्ट कर देते हैं। यह मानते हुए कि मेनन सहित ट्रेन में सवार सभी लोग मर चुके हैं, दिल्ली में वापस टीम एक ट्रेवल एजेंसी के कर्मचारियों के रूप में गुप्त रूप से रहती है, अपने परिवारों से अपनी असली नौकरी छिपाती है। गांधी अपनी पत्नी अनुराधा अनु के साथ रहते हैं, जो गर्भवती है और उनका 5 वर्षीय बेटा जीवन है। गांधी का जब बैंकॉक में एक नया मिशन सौंपा जाता है तो वह अनु के व्यवसाय के संदेह के दूर करने के लिए अपने परिवार को साथ ले जाता है। मिशन पूरा करने के बाद गांधी और उसके परिवार पर हमला होता है, जिसके कारण अनु का प्रसव पीड़ा होती है और जीवन पर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ शव मिलता है, जिसे वे जीवन की मानते हुए जिससे गांधी तबाह हो जाती है और अनु एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन दुख के कारण गांधी से बात करना बंद कर देती है। 2024 तक गांधी ने दस्ते को छोड़ दिया और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आवर्जन अधिकारी के रूप में काम किया हुआ और अनु अलग अलग रहते हैं और उनकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है। कल्याण के सुझाव पर गांधी के पूर्व बॉस नजीर ने उन्हें फिर से खोले गए भारतीय दूतावास में नए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए मास्को जाने के लिए कहा। अनिच्छुक होने के बावजूद गांधी सहमत हो जाते हैं, लेकिन उनके रहने के दौरान दूतावास पर एक गिरोह का द्वारा हमला किया जाता है। गांधी उनसे लड़ता और हमलावरों में से एक हुआ डेप्लोगेंगर को देखकर चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि यह जीवन और जब वह हमलावरों के बचाव में उसकी मदद करता है तो वह इसकी पुष्टि करता है। वे चेन्नई लौटते हैं अब और परिवार से मिलता है और अनु से फिर से शादी से बात करना शुरू करती है। नजीर ने गांधी को चेन्नई मेट्रो स्टेशन पर एक जरूरी बैठक के लिए बुलाया। गांधी हमलावरों से लड़ने के लिए समय पर पहुंच जाते हैं, लेकिन नजीर को नकाबपोश व्यक्ति द्वारा मार दिया जाता है, जो बाद में जीवन के रूप में सामने आता है। और गांधी एसएटीएस के दस्ते में वापस आता है और टीम लगाता है। कौन उनकी एजेंसी को खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहा है? नजीर के फोन में आजीवन और मास्को से उसके गिरोह के बारे में सारी जानकारी जीवन के साथी शाह ने मेट्रो स्टेशन पर नजीर से फोन ले लिया। जब नजीर ने उसे गिरा दिया तो लेकिन शाह जीवन को बताता है कि फोन गुम हो गया। यह पता चलता है कि जीवन पर पूरे समय मेनन के लिए काम कर रहा था और वह किसी कारण से गांधी के परिवार के पास आया था।
यह भी पता चला कि मेनन 2008 में ट्रेन विस्फोट के में बच गया था, लेकिन इस घटना में उसका पूरा परिवार मर गया। बदला लेने के लिए उसने बैंकॉक में गांधी का पता लगाया, जीवन का अपहरण किया और उसे किशोर सुधार गृह में रखा गया, जिससे उससे डर पैदा हो गया कि फिर उसने सुविधा के सदस्यों को मारकर जीवन को बचाया, उसका विश्वास जीता और उसका नाम बदलकर संजय रख दिया। मेनन द्वारा बहकाए गए जीवन को यह विश्वास हो गया कि गांधी उसके परिवार की मौतों के लिए जिम्मेदार है। इस नफरत से प्रेरित होकर जीवन ने अपना जीवन मेनन को गांधी से बदला लेने के लिए समर्पित कर दिया गया। डायमंड बाबू नामक चोर नाजीर और फोन चुरा लेते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण सबूत है। गांधी उसे वापस खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन बीच में आ जाता है और जिससे एक घातक टकराव होता है, जिसमें अजय की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और अब्दुल और मेनन की गिरफ्तारी के बाद जीवन श्रीनिधि को अपहरण कर लेता और अपनी रिहाई के लिए सुनील को ब्लैकमेल करता है। कल्याण मेनन की साथी के रूप में उजागर होकर गांधी को उन्हें मुक्त करने के लिए मना लेता है। जीवन श्रीनिधि का गला काट देता है और कल्याण उसे मुख्य गवाह बनने से रोकने के लिए उसका दम घोट देता है। शाह को पता लगाने के दौरान गांधी सहयोग से जीवन को ढूंढ लेता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। पूछताछ के दौरान वह सुनील की बंदूक जब्त कर लेता है और उसे मार डालता है और गांधी को उसे बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है, जिससे जीवन भागने में सफल हो जाता है। हालांकि सुनील के जीवित होने का खुलासा होता है और वह कल्याण को मार देता है। इस बीच मेनन अनु का अपहरण करता लेता है और बमबारी की योजना का खुलासा करता है। इस बात से अनजान किया गांधी की चाल है, गांधी मेनन को पकड़ लेता है और उसे जीवन से बातचीत करने के लिए एमए चिदंबरम स्टेडियम ले जाता है और जिसमें बमबारी रुक जाती है। जीवन की योजना स्टेडियम में कई बम विस्फोट करने की और गांधी को देशद्रोह के आरोप में फंसाने की वह जीवन के गुंडों को वश करने करता और उसका सामना करता और अंततः स्टेडियम के ऊपर उसे मार डालता है। मिड क्रेडिट सीन में यह पता चलता है कि जीवन वास्तव में एक क्लोन था। असली जीवन उसे अब संजय के नाम से जाना जाता है। मानव क्लोनिंग में विशेषज्ञता प्राप्त एक वैज्ञानिक और उसने अपनी गंदी योजनाओं को जारी रखने के लिए क्लोन तैयार किया है और उन्होंने इसे नवंबर 2021 के अंत में विजय योजना ने निर्देशक एटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था, जो मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी 68वीं फिल्म फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी। थेरी 2016, मर्सल 2017 और मिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान 2023 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी और इसी बीच विजय दो परियोजनाओं वारिसू और लियो दोनों 2023 पर काम करेंगे और इसे 24 दिसंबर को उवान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की तस्वीर पोस्ट की, जिसे फुदिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पूर्ण मिलन के संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था। वीजा और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टों पूरे 2022 तक जारी रही। उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मांकन जून 2023 में शुरू होने वाला था, क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी, क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून 2023 थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि अगले मई में एटली को इस परियोजनाओं को निर्देशन नहीं करने की पुष्टि हुई और क्योंकि उन्होंने एक अन्य फिल्म हिंदी फिल्म साइनअप की जो बे और नवंबर 2021 में के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था, जो मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी 68वीं फिल्म है फिर से यह उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी और थ्री 2016, मार्शल 2017 और मिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान 2023 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी और इस बीच विजय दो परियोजनाओं वारिसू और लियो दोनों 2023 पर काम करेंगे और 24 दिसंबर को विवान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की तस्वीर पोस्ट की, जिससे पुदिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य के पूर्ण मिलन के संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था। विजय और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टों पर 2022 तक जारी रही। उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मांकन जून 2023 में शुरू होने वाला था, क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी, क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून 2023 थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था।
हालांकि अगले मई में इटली और इस परियोजनाओं का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि हुई, क्योंकि उन्होंने एक अन्य फिल्म हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन में 2024 बन गई थी। विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएँ सुनी थी जिनमें से निर्देशक वेंकट प्रभु और गोपीचंद मालिनी ने की पटकथाएँ भी शामिल थी और इसे 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी 68वीं फिल्म प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी, जिसे अस्थायी रूप से थलापति 68 के शीर्षक दिया गया। एजीएस एंटरटेनमेंट ने फिल्म का निर्माण करेगी, जबकि अर्चना कल्पना ने इस कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना ने रचनात्मक रूप से इसकी पुष्टि की गई थी, और जबकि और प्रोडक्शन हाउस और सबसे महंगा और 25वां फिल्म निर्माण है। यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनी थी। अगले अगस्त टीम विजय के पत्रों में एक प्रारूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजिल्स के लिए रवाना हुई। इस तकनीकी का इस्तेमाल पहले फैन 2016 और इंडियन 2024 के लिए किया गया था। फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 31 दिसंबर 2023 को घोषित किया गया था। फिल्म की साइंस फिक्शन फिल्म बताया गया था। फिल्म के रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया। घोषणा से 10 महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था, जिसे बाद में विकसित करने का अनुरोध किया गया था, और मई 2023 की शुरुआत में विकसित पूरा करने के बाद प्रभु ने उस महीने के अंत में फिर से विजय से मुलाकात की और पटकथा सुनाई। इसके बाद विजय ने स्क्रिप्ट की मंजूरी दी और उसे अंतिम रूप दिया गया। प्रभु ने विजय के साथ फिल्म की पटकथा और संवाद लिखे। अतिरिक्त पटकथा के चंद्रू और एजा लारसु गुणशेखरन ने लिखी और 2 अक्टूबर 2023 को चेन्नई की प्रसाद लैब्स में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई थी। उसी महीने सिद्धार्थ नोनी को छायाकार के रूप में घोषित किया गया। वेंदु थानेंदु काडू 2022 और कैप्टन मिलर 2024 के बाद उनकी तीसरी तमिल फिल्म में विजय और प्रभु के साथ उनकी पहली फिल्म थी। भगवान शंकर राजा को संगीत देने के लिए पुष्टि की गई थी। निर्देशक के साथ उनकी लगातार तीसरी फिल्म में उन्होंने कुल 10 फिल्मों की थी और तकनीकी दल में छायाकार सिद्धार्थ नोनी, संपादक वेंकट राजन, प्रोडक्शन डिजाइनर राजीवन नानिवियार, स्टंट कोरियोग्राफर दिलीप सुबरायन, कला निर्देशक शेखर और सूर्या राजीवन, कॉस्ट्यूम डिजाइनर वास्की भास्कर और पल्लवी सिंह शामिल है। एस एम वेंकट मणिकम को कार्यकारी निर्माता नियुक्त किया गया था। विजय ने एक बुजुर्ग और एक युवा चरित्र के रूप में दोहरी भूमिका निभाई है। युवा भूमिका के लिए उन्हें अपनी ट्रेडमार्क मूछें मुड़वानी पड़ी। युवा संस्करण को चित्रित करने के लिए डी एजिंग तकनीकी का उपयोग किया गया था और शुरुआत में भूमिकाओं के लिए प्रभु की पसंद में बड़े किरदार के लिए रजनीकांत और छोटे के लिए धनुष शामिल थे। शुरुआत में ज्योतिका को मुख्य महिला भूमिका को पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया गया क्योंकि भूमिका का इसे कोई लेना देना नहीं था, और बाद में मीनाक्षी चौधरी और स्नेहा को मुख्य महिला भूमिका के लिए लिया गया, जिसमें चौधरी ने युवा विजय के साथ जोड़ी बनाई अभिनेता के साथ अपने पहले सहयोग में, जबकि स्नेहा वसीगरा 2003 में उनके साथ काम करने के बाद विजय के साथ फिर से जुड़ गई। प्रभु देवा का एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों में शामिल हुए। दो फिल्मों का निर्देशन करने के बाद विजय के साथ उनका पहला अभिनय साथ था और सहयोग था, जबकि प्रशांत एक महत्वपूर्ण भूमिका में आगे लिया गया जो पहली बार बाद में उनके साथ सहयोग कर रहे थे। लैला वैभव मोहन जयराम और अजमल आमिर, योगी बाबू, वीटीवी गणेश, प्रभु के लगातार सहयोगी प्रेमगी अमरेन, अरविंद, आकाश और अजय राज प्रमुख भूमिकाओं निभाने की घोषणा की गई थी। बाबू और गणेश ने प्रभु के साथ अपना पहला सहयोग किया। मुहूर्त पूजा में उनकी उपस्थिति के दौरान उनके शामिल होने की पुष्टि की गई थी और माधवन और अरविंद स्वामी मोहन की भूमिका के लिए मूल पसंद थे और स्नेहा के लिए ज्योतिका का सिमरन या नयनतारा पार्वती नायर खुलासा किया गया कि वह जनवरी 2024 में कलाकारों का हिस्सा थी। युगेंद्रन फिल्म का प्रारंभिक शूटिंग में मौजूद थे, जिससे उनकी उपस्थिति की पुष्टि हुई। वह त्रिपाठी 2005 के बाद विजय के साथ अभिनय करेंगे। दिवंगत विजयकांत की पत्नी प्रेमलता ने पुष्टि की कि बाद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता में के उपयोग में के साथ फिल्म के लिए एक दृश्य में उन्हें दिखाया जाएगा। वाईजी महेंद्रन ने कहा कि वह फिल्म बीट के साथ एक साक्षात्कार के दौरान एक कैमियो भूमिका भी निभाएंगे।
अयाज खान ने जीवन और एक किशोर के रूप में चित्रित किया, जिसमें उसका चेहरा विजय से मिलता जुलता डिजिटल रूप से रूपांतरित किया गया था। और यह मुख्य फोटोग्राफी 3 अक्टूबर 2023 को चेन्नई के प्रसाद लैब्स पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी। इन्होंने इस फिल्म में कई प्रकार की भूमिका भी निभाई थी और राज सुंदरम द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था और विजय प्रसाद देवा और अजमल पर फिल्माया गया। एक गाना सिक्वेंस सबसे पहले फिल्माया गया था। कथित तौर पर निर्माताओं ने इस सीक्वेंस के लिए AI का इस्तेमाल किया गया, जो 9 अक्टूबर तक समाप्त हुआ गया था और दूसरा शेड्यूल 30 अक्टूबर को थाईलैंड में शुरू हुआ, जिसमें विजय 3 नवंबर को उनके साथ शामिल हुए। टीम ने इसे शेड्यूल के ज़्यादातर बैंकॉक में शूटिंग की। फिल्मांकन 10 दिनों के भीतर विजय ने शेड्यूल के लिए अपने हिस्सों की फिल्मांकन पूरा कर लिया और चेन्नई लौट आए। निर्माता थाईलैंड में ही रहे और अभिनेता को शामिल नहीं करने वाले हिस्सों फिल्माए। प्रभु ने कथित तौर पर 27 दिसंबर को शेड्यूल समाप्त होने से पहले महत्वपूर्ण दृश्यों की फिल्माने के लिए एक प्रमुख कलाकारों की एकजुट किया था और नए साल के अंतराल के बाद 7 जनवरी 2024 को श्रीलंका में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। 2 फरवरी को विजय ने एक और फिल्म पूरी करने की राजनीतिक प्रवेश करने के बाद फिल्मों में संन्यास की घोषणा की और जिसमें यह उनकी अंतिम फिल्म बन गई। सिद्धार्थ नूनी ने एक महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग करने के लिए 3 कैमरों का इस्तेमाल किया था। ऐसा कुछ उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। फरवरी की शुरुआत में उन्होंने कहा कि फिल्मांकन का आधा हिस्सा पूरा हो गया था और 5 फरवरी को पांडिचेरी में एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू हुआ और इस शेड्यूल के दौरान विजय प्रशांत और देवा का एक फुटेज लीक हो गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। इसके चलते फिल्म के अधिकारी प्रौद्योगिकी की सुरक्षा साझेदारी ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को लीक हुई सामग्री को सजा करने से चेतावनी दी और कहा कि लीक को हटा दिया जाएगा। मार्च की शुरुआत में यह बताया गया कि श्रीलीला को शामिल करने वाला एक आइटम नंबर तय किया गया था, हालांकि उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बाद में त्रिशा कृष्णा ने उनकी जगह ले ली और मटा गीत का उनका हिस्सा चेन्नई में शूट किया गया। निर्माताओं ने शुरू में मोरक्को निम्नलिखित कार्यक्रम में शूटिंग करने का फैसला किया था, हालांकि फिल्मांकन में स्थान को केरल के अंतिम रूप दिया गया था और वहाँ का कार्यक्रम 16 मार्च को शुरू होने वाला था, लेकिन 2 दिन बाद शुरू हुआ और कावलन 2011 के बाद विजय इस फिल्म के साथ फिल्मांकन के लिए केरल लौटेंगे, इसलिए उनके प्रशासन हवाई अड्डे के सामने इकट्ठा हुआ जहां अभिनेता उतरेंगे। सुबह 11 बजे शाम 5 बजे तक भीड़ जमा रहेगी। शेड्यूल की शूटिंग तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम के में शुरू हुआ। 21 मार्च को फिल्मांकन के दौरान आधी रात को स्टेडियम के बाहर अपने प्रशासकों को मौजूदगी के कारण विजय ने शूटिंग रोक दी, उनसे मिले और उनका अभिवादन किया और अगले दिन अभिनेता प्रशंसकों के साथ वहां के एक बाहरी सभा की व्यवस्था की गई। अपने सामान्य ट्रेडमार्क के रूप में उन्होंने एक वीडियो लिया और इसे अपने सोशल मीडिया पेजों पर पोस्ट किया गया। निर्धारित भागों के लिए फिल्मांकन 23 मार्च को तक पूरा हो गया था। 7 अप्रैल को निर्माताओं ने अगले कार्यक्रम के लिए रूस के मास्को के लिए उड़ान भरी और कार्यक्रम की शुरुआती में फिल्माए गए दृश्यों को एक स्कूल परिसर में फिल्माया गया था। कार्यक्रम के एक पीछा करने का दृश्य फिल्माया गया था। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना वोट डालने के लिए विजय ने 18 अप्रैल को चेन्नई लौट आए। वापस उड़ान भरने से पहले अभिनेता को फिल्मांकन के दौरान चोट लग गई और मई के मध्य में निर्माताओं ने कथित तौर पर फिल्मांकन फिर से शुरू किया करने की संयुक्त राज्य अमरीका जाते हुए देखा गया था। मई के अंत में पुंडचेरी और उसका आसपास बीच रोड को और ओल्ड फोर्ट सहित कई प्रकार की और इन्होंने मार्च 2024 में वेंकट प्रभु ने पुष्टि की कि चेन्नई लॉस एंजल्स में फिल्मांकन के साथ साथ उन्होंने VFX और CGI कार्य शुरू हो गए थे। उन्होंने आगे कहा कि प्रभाव कार्य 5 कंपनियों द्वारा किया जाएगा और विजय ने मई के मध्य में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की और 14 मई 50% पूरा कर लिया और हरियर सुथान VFX के तहत फिल्म के विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर के साथ ही BH2 स्टूडियोज भी एक इसी इन्होंने डिजिटल इंटरमीडिएट के संभालने टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि विजय के युवा चरित्र को दिखाने वाले 10 मिनट के लिए सीक्वेंस के लिए उन्नत डीएजिंग तकनीकी पर 6 करोड़ का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआत में फिल्म को जून में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, जो विजय के 50वें जन्मदिन के साथ मेल खाता था और हालांकि व्यापार को पोस्ट प्रोडक्शन और VFX के कार्यों के कारण इसमें देरी हो गई थी और साउंड ट्रैक वन शंकर राजा
द्वारा रचित और जो फुदिया गीतई 2003 के बाद विजय के साथ उनका दूसरा और प्रभु के साथ 10वां संयोग है। एक ऑडियो लॉन्च आयोजित करने का इरादा था लेकिन बाद में इसे अज्ञात कारणों से रद्द कर दिया गया था और उन्होंने वीक्वेल पोडो छिन्ना छिन्ना कंगाल स्पार्क और मट्टा वाले एल्बम को फिल्म के रिलीज से 2 दिन पहले 3 सितंबर 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म का फर्स्ट पोस्टर लुक इन्होंने 31 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था जिसमें फिल्म का शीर्षक का खुलासा किया गया था। टीजर ट्रेलर 22 जून को रिलीज किया गया था और विजय के 50वें जन्मदिन के अवसर पर था। फिल्म का आधिकारिक माल 25 अगस्त 2024 को फिल्मी डाइस मिसाकर कलर पार्ट्स और नम्मा ट्राइबर द्वारा लॉन्च किया गया था और 29 जुलाई 2024 को फिल्म की क्रिटिक्स प्रोड्यूस अर्चना कल्पना ने घोषणा की थी कि फिल्म के अपडेट अगले महीने से जारी किए जाएंगे और तीसरे सिंगल के आधिकारिक घोषणा पोस्टर जो 1 और 2 अगस्त को जारी किए गए दोनों को प्रशंसकों और आमतौर पर दर्शकों नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जिसमें से ज़्यादातर की आलोचना विजय के डीएच लुक के लिए की गई थी और इन्होंने इस प्रमोशनल फिल्म के अंतिम ट्रेलर 2024 में रिलीज किया गया था और ट्रेलर के विजय के डीएच लुक को सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था और जिसे पिछले समाचार सामग्री में उनके डीएच लुक से बेहतर माना गया। वेंकट प्रभु ने पुष्टि की कि यह पिछले आलोचनात्मक से जवाब में था और इन्होंने हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिल्म के बारे में। यह फिल्म 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है इसे जिसका निर्देशक वेंकट प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया। फिल्म ने विजय 4 भूमिकाओं में जिसका साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमल अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमिगी अमरेन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन। यह स्टूडियो को 25वां प्रोडक्शन है और जो और राजनीतिक प्रवेश से पहले विजय की यह अंतिम फिल्म है। फिल्म आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं के समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों में उपजी थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की 68वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 तक अंत तक पूरी हो गई। फिल्मांकन स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पुंडेचेरी तिरुवनंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। फिल्म का संगीत वन शंकर राजा ने तैयार किया है, छायांकन सिद्धार्थ नूनी ने किया है और संपादन वेंकट राजन ने किया है। 380 से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को 5 सितंबर 2024 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक्शन दृश्यों और चरमोत्कर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास और लेखक की कमी की आलोचना की गई थी और इन्होंने इस फिल्म में 2008 में केन्या में एमएस गांधी और उनके साथियों सुनील त्यागराजन कल्याण सुंदरम और अजय गोविंद से मिलकर बना विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ता के साथ आतंकवादी उमर को पकड़कर उससे यूरेनियम निकालता है। उनके पूर्व प्रमुख राजीव मेनन जो देशद्रोह के आरोप के बाद फरार है भी उसी ट्रेन में वे मेनन में यूरेनियम वापस लेते हैं और जिस ट्रेन में वह सवार थे उसे नष्ट कर देते हैं। यह मानते हुए कि मेनन सहित ट्रेन में सवार सभी लोग मर चुके हैं दिल्ली में वापस टीम एक ट्रेवल एजेंसी के कर्मचारियों के रूप में गुप्त रूप से रहती है। अपने परिवारों से अपनी असली नौकरी छिपाती है। गांधी अपनी पत्नी अनुराधा अनु के साथ रहते हैं जो गर्भवती है और उनका 5 वर्षीय बेटा जीवन है। गांधी का जब बैंकॉक में एक नया मिशन सौंपा जाता है तो वह अनु के व्यवसाय के संदेह को दूर करने के लिए अपने परिवार को साथ ले जाता है। मिशन पूरा करने के बाद गांधी और उसके परिवार पर हमला होता है जिसके कारण अनु का प्रसव पीड़ा होती है और जीवन पर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ शव मिलता है जिसे वे जीवन की मानते हुए जिससे गांधी तबाह हो जाती है और अनु एक बच्ची को जन्म देती है लेकिन दुख के कारण गांधी से बात करना पर बंद कर देती है। 2024 तक गांधी ने दस्ते को छोड़ दिया और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आवर्जन अधिकारी के रूप में काम किया हुआ और अनु अलग अलग रहते हैं और उनकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है।
कल्याण के सुझाव पर गांधी के पूर्व बॉस नज़र ने उन्हें फिर से खोले गए भारतीय दूतावास में नए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए मॉस्को जाने के लिए कहा। अनिच्छुक होने के बावजूद गांधी सहमत हो जाते हैं, लेकिन उनके रहने के दौरान दूतावास पर एक गिरोह का द्वारा हमला किया जाता है। गांधी उनसे लड़ता और हमलावरों में से एक हुआ डेप्लोगेंगर को देखकर चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि यह जीवन, और जब वह हमलावरों के बचाव में उसकी मदद करता है तो वह उसकी पुष्टि करता है। वे चेन्नई लौटते हैं अब और परिवार से मिलता है और अनु से फिर से शादी से बात करना शुरू करती है। नज़ीर ने गांधी को चेन्नई मेट्रो स्टेशन पर एक जरूरी बैठक के लिए बुलाया। गांधी हमलावरों से लड़ने के लिए समय पर पहुंच जाते हैं, लेकिन नज़ीर को नकाबपोश व्यक्ति द्वारा मार दिया जाता है, जो बाद में जीवन के रूप में सामने आता है। और गांधी SATS के दस्ते में वापस आता और टीम लगाता है। कौन उनकी एजेंसी को खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहा है? नज़ीर के फोन में आजीवन और मास्को से उसके गिरोह के बारे में सारी जानकारी। जीवन के साथी शाह ने मेट्रो स्टेशन पर नज़ीर से फ़ोन ले लिया। जब नज़ीर ने उसे गिरा दिया तो लेकिन शाह जीवन को बताता है कि फ़ोन गुम हो गया। यह पता चलता है कि जीवन पर पूरे समय मेनन के लिए काम कर रहा था और वह किसी कारण से गांधी के परिवार के पास आया था। यह भी पता चला कि मेनन 2008 में ट्रेन विस्फोट के में बच गया था, लेकिन इस घटना में उसका पूरा परिवार मर गया। बदला लेने के लिए उसने बैंकॉक में गांधी का पता लगाया, जीवन का अपहरण किया और उसे किशोर सुधार गृह में रखा गया, जिससे उससे डर पैदा हो गया कि फिर उसने सुविधा के सदस्यों को मारकर जीवन को बचाया, उसका विश्वास जीता और उसका नाम बदलकर संजय रख दिया। मेनन द्वारा बहकाए गए जीवन को यह विश्वास हो गया कि गांधी उसके परिवार की मौतों के लिए जिम्मेदार है। इस नफरत से प्रेरित होकर जीवन ने अपना जीवन मेनन को गांधी से बदला लेने के लिए समर्पित कर दिया गया। डायमंड बाबू नामक चोर नज़ीर और फोन चुरा लेते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण सबूत है। गांधी उसे वापस खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन बीच में आ जाता है और जिससे एक घातक टकराव होता है, जिसमें अजय की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और अब्दुल और मेनन की गिरफ्तारी के बाद जीवन श्रीनिधि को अपहरण कर लेता है और अपनी रिहाई के लिए सुनील को ब्लैकमेल करता है। कल्याण मेनन की साथी के रूप में उजागर होकर गांधी को उन्हें मुक्त करने के लिए मना लेता है। जीवन श्रीनिधि का गला काट देता है और कल्याण उसे मुख्य गवाह बनने से रोकने के लिए उसका दम घोट देता है। शाह को पता लगाने के दौरान गांधी सहयोग से जीवन को ढूंढ लेता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। पूछताछ के दौरान वह सुनील की बंदूक जब्त कर लेता है और उसे मार डालता है और गांधी को उसे बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है, जिससे जीवन भागने में सफल हो जाता है। हालांकि सुनील के जीवित होने का खुलासा होता है और वह कल्याण को मार देता है। इस बीच मेनन अनु का अपहरण करता लेता है और बमबारी की योजना का खुलासा करता है। इस बात से अनजान किया गांधी की चाल है, गांधी मेनन को पकड़ लेता और उसे जीवन से बातचीत करने के लिए एमए चिदंबरम स्टेडियम ले जाता और जिसमें बमबारी रुक जाती है। जीवन की योजना स्टेडियम में कई बम विस्फोट करने की और गांधी को देशद्रोह के आरोप में फंसाने की वह जीवन के गुंडों को वश करने करता और उसका सामना करता और अंततः स्टेडियम के ऊपर उसे मार डालता है। मिड क्रेडिट सीन में यह पता चलता है कि जीवन वास्तव में एक क्लोन था। असली जीवन उसे अब संजय के नाम से जाना जाता है। मानव क्लोनिंग में विशेषज्ञता प्राप्त एक वैज्ञानिक और उसने अपनी गंदी योजनाओं को जारी रखने के लिए क्लोन तैयार किया है और उन्होंने इस नवंबर 2021 के अंत में विजय योजना ने निर्देशक इटली के साथ 3 सफल फिल्मों में काम किया था, जो मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी 68वीं फिल्म फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी। थेरी 2016, मर्सल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान 2023 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। और इसी बीच विजय दो परियोजनाओं वारिसु और लियो दोनों 2023 पर काम करेंगे और इसे 24 दिसंबर को उवान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की तस्वीर पोस्ट की, जिसे फोदिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्मिलन के संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था।
वीजा और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टों पूरे 2022 तक जारी रही। उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मांकन जून 2023 में शुरू होने वाला था, क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी, क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून 2023 थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि अगले मई में इटली को इस परियोजना को निर्देशन नहीं करने की पुष्टि हुई, और क्योंकि उन्होंने एक अन्य फिल्म हिंदी फिल्म साइन अप की जो बेबी, और नवंबर 2021 में के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ 3 सफल फिल्मों में काम किया था, जो मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी 68वीं फिल्म है। फिर से यह उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी, और 3 2016, मार्शल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान 2023 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। और इस बीच विजय 2 परियोजनाओं वारिसु और लियो दोनों 2023 पर काम करेंगे, और 24 दिसंबर को विवान शंकर राजा नायक्स के माध्यम से अपनी और विजय की तस्वीर पोस्ट की, जिससे पुदिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य के पुनर्मिलन के संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था। विजय और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टों पर 2022 तक जारी रही। उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मांकन जून 2023 में शुरू होने वाला था, क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी, क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून 2023 थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अगले मई में इटली और इस परियोजनाओं का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि हुई, क्योंकि उन्होंने एक अन्य फिल्म हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन में 2024 बन गई थी। विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी, जिनमें से निर्देशक वेंकट प्रभु और गोपीचंद मालिनी ने की पटकथाएँ भी शामिल थी, और इसे 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी 68वीं फिल्म प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी, जिसे अस्थायी रूप से थलापति 68 के शीर्षक दिया गया। एजीएस एंटरटेनमेंट ने फिल्म का निर्माण करेगी, जबकि अर्चना कल्पना ने इस कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना ने रचनात्मक रूप से इसकी पुष्टि की गई थी, और जबकि और प्रोडक्शन हाउस और सबसे महंगा और 25वां फिल्म निर्माण है। यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनी थी। अगले अगस्त टीम विजय के पत्रों में एक प्रारूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजिल्स के लिए रवाना हुई। इस तकनीकी का इस्तेमाल पहले फैन 2016 और इंडियन 2 2024 के लिए किया गया था। फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 31 दिसंबर 2023 को घोषित किया गया था। फिल्म की साइंस फिक्शन फिल्म बताया गया था। फिल्म के रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया। घोषणा से 10 महीने पहले प्रभु ने विजय के से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था, जिसे बाद में विकसित करने का अनुरोध किया गया था, और मई 2023 की शुरुआत में विकसित पूरा करने के बाद प्रभु ने उस महीने के अंत में फिर से विजय से मुलाकात की और पटकथा सुनाई। इसके बाद विजय ने स्क्रिप्ट की मंजूरी दी और उसे अंतिम रूप दिया गया। प्रभु ने विजय के साथ फिल्म की पटकथा और संवाद लिखे। अतिरिक्त पटकथा के चंद्रू और एजाल आरसू गुणशेखरन ने लिखी, और 2 अक्टूबर 2023 को चेन्नई की प्रसाद लैब्स में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई थी। उसी महीने सिद्धार्थ नूनी को छायाकार के रूप में घोषित किया गया। वेंदु थानेंदु काडू 2022 और कैप्टन मिलर 2024 के बाद उनकी तीसरी तमिल फिल्म में विजय और प्रभु के साथ उनकी पहली फिल्म थी। भगवान शंकर राजा को संगीत देने के लिए पुष्टि की गई थी। निर्देशक के साथ उनकी लगातार तीसरी फिल्म में उन्होंने कुल 10 फिल्मों की थी, और तकनीकी दल में छायाकार सिद्धार्थ नूनी, संपादक वेंकट राजन, प्रोडक्शन डिजाइनर राजीवन नानिवियार, स्टंट कोरियोग्राफर दिलीप सुबरायन, कला निर्देशक शेखर और सूर्या राजीवन, कॉस्ट्यूम डिजाइनर वास्की भास्कर और पल्लवी सिंह शामिल है। SM वेंकट मणिकम को कार्यकारी निर्माता नियुक्त किया गया था। विजय ने एक बुजुर्ग और एक युवा चरित्र के रूप में दोहरी भूमिका निभाई है। युवा भूमिका के लिए उन्हें अपनी ट्रेडमार्क मूछें मुड़वानी पड़ी। युवा संस्करण को चित्रित करने के लिए डी एजिंग तकनीकी का उपयोग किया गया था, और शुरुआत में भूमिकाओं के लिए प्रभु की पसंद में बड़े किरदार के लिए रजनीकांत और छोटे के लिए धनुष शामिल थे। शुरुआत में ज्योतिका को मुख्य महिला भूमिका को पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया गया, क्योंकि भूमिका का इसे
कोई लेना देना नहीं था और बाद में मीनाक्षी चौधरी और स्नेहा को मुख्य महिला भूमिका के लिए लिया गया, जिसमें चौधरी ने हुआ विजय के साथ जोड़ी बनाई अभिनेता के साथ अपने पहले सहयोग में, जबकि स्नेहा वसीगरा 2003 में उनके साथ काम करने के बाद विजय के साथ फिर से जुड़ गई। प्रभु देवा का एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों में शामिल हुए। दो फिल्मों का निर्देशन करने के बाद विजय के साथ उनका पहला अभिनय साथ था और सहयोग था, जबकि प्रशांत एक महत्वपूर्ण भूमिका में आगे लिया गया जो पहली बार बाद में उनके साथ सहयोग कर रहे थे। लैला वैभव मोहन जयराम और अजमल आमिर योगी बाबू वीटीवी गणेश प्रभु के लगातार सहयोगी, प्रेमगी अमरेन अरविंद आकाश और अजय राज प्रमुख भूमिकाओं निभाने की घोषणा की गई थी। बाबू और गणेश ने प्रभु के साथ अपना पहला सहयोग किया मुहूर्त पूजा में उनकी उपस्थिति के दौरान उनके शामिल होने की पुष्टि की गई थी और माधवन और अरविंद स्वामी मोहन की भूमिका के लिए मूल पसंद थे और स्नेहा के लिए ज्योतिका का सिमरन या नयनतारा पार्वती नायर खुलासा किया गया कि वह जनवरी 2024 में कलाकारों का हिस्सा थी। युगेंद्रन फिल्म का प्रारंभिक शूटिंग में मौजूद थे, जिससे उनकी उपस्थिति की पुष्टि हुई। वह त्रिपाठी 2005 के बाद विजय के साथ अभिनय करेंगे। दिवंगत विजयकांत की पत्नी प्रेमलता ने पुष्टि की कि बाद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता में के उपयोग में के साथ फिल्म के लिए एक दृश्य में उन्हें दिखाया जाएगा। वाईजी महेंद्रन ने कहा कि वह फिल्म बीट के साथ एक साक्षात्कार के दौरान एक कैमियो भूमिका भी निभाएंगे। अयाज खान ने जीवन और एक किशोर के रूप में चित्रित किया, जिसमें उसका चेहरा विजय से मिलता जुलता डिजिटल रूप से रूपांतरित किया गया था और यह मुख्य फोटोग्राफी 3 अक्टूबर 2023 को चेन्नई के प्रसाद लैब्स पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी। इन्होंने इस फिल्म में कई प्रकार की भूमिका भी निभाई थी और राज सुंदरम द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था और विजय प्रशांत देवा और अजमल पर फिल्माया गया। एक गाना सिक्वेंस सबसे पहले फिल्माया गया था। कथित तौर पर निर्माताओं ने इस सीक्वेंस के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया जो 9 अक्टूबर तक समाप्त हुआ गया था और दूसरा शेड्यूल 30 अक्टूबर को थाईलैंड में शुरू हुआ, जिसमें विजय 3 नवंबर को उनके साथ शामिल हुए। टीम ने इसे शेड्यूल के ज़्यादातर बैंकॉक में शूटिंग की। फिल्मांकन 10 दिनों के भीतर विजय ने शेड्यूल के लिए अपने हिस्सों की फिल्मांकन पूरा कर लिया और चेन्नई लौट आए। निर्माता थाईलैंड में ही रहे और अभिनेता को शामिल नहीं करने वाले हिस्सों फिल्माए। प्रभु ने कथित तौर पर 27 दिसंबर को शेड्यूल समाप्त होने से पहले महत्वपूर्ण दृश्यों की फिल्माने के लिए एक प्रमुख कलाकारों की एकजुट किया था और नए साल के अंतराल के बाद 7 जनवरी 2024 को श्रीलंका में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। 2 फरवरी को विजय ने एक और फिल्म पूरी करने की, राजनीतिक प्रवेश करने के बाद फिल्मों में संन्यास की घोषणा की और जिसमें यह उनकी अंतिम फिल्म बन गई। सिद्धार्थ नूनी ने एक महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग करने के लिए 3 कैमरों का इस्तेमाल किया था, ऐसा कुछ उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। फरवरी की शुरुआत में उन्होंने कहा कि फिल्मांकन का आधा हिस्सा पूरा हो गया था और 5 फरवरी को पांडिचेरी में एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू हुआ और इस शेड्यूल के दौरान विजय प्रशांत और देवा का एक फुटेज लीक हो गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। इसके चलते फिल्म के अधिकारी प्रौद्योगिकी सुरक्षा साझेदारी ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को लीक हुई सामग्री को सजा करने से चेतावनी दी और कहा कि लीक को हटा दिया जाएगा। मार्च की शुरुआत में यह बताया गया कि श्रीलीला को शामिल करने वाला एक आइटम नंबर तय किया गया था, हालांकि उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बाद में त्रिशा कृष्णा ने उनकी जगह ले ली और मटा गीत का उनका हिस्सा चेन्नई में शूट किया गया। निर्माताओं ने शुरू में मोरक्को निम्नलिखित कार्यक्रम में शूटिंग करने का फैसला किया था, हालांकि फिल्मांकन में स्थान को केरल के अंतिम रूप दिया गया था और वहाँ का कार्यक्रम 16 मार्च को शुरू होने वाला था, लेकिन 2 दिन बाद शुरू हुआ और कावलन 2011 के बाद विजय इस फिल्म के साथ फिल्मांकन के लिए केरल लौटेंगे, इसलिए उनके प्रशासन हवाई अड्डे के सामने इकट्ठा हुआ जहां अभिनेता उतरेंगे। सुबह 11 बजे शाम 5 बजे तक भीड़ जमा रहेगी। शेड्यूल की शूटिंग तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम के में शुरू हुआ। 21 मार्च को फिल्मांकन के दौरान आधी रात को स्टेडियम के बाहर अपने प्रशासकों को मौजूदगी के कारण विजय ने शूटिंग रोक दी, उनसे मिले और उनका अभिवादन किया और अगले दिन अभिनेता प्रशंसकों के साथ वहां के एक बाहरी सभा की व्यवस्था की गई। अपने सामान्य ट्रेडमार्क के रूप में उन्होंने एक वीडियो लिया और इसे अपने सोशल मीडिया पेजों पर पोस्ट किया गया। निर्धारित भागों के लिए फिल्मांकन 23 मार्च को तक पूरा हो गया था। 7 अप्रैल को निर्माताओं ने अगले
और कार्यक्रम के लिए रूस के मास्को के लिए उड़ान भरी और कार्यक्रम की शुरुआती में फिल्माए गए दृश्यों को एक स्कूल परिसर में फिल्माया गया था। कार्यक्रम के एक पीछा करने का दृश्य फिल्माया गया था। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना वोट डालने के लिए विजय ने 18 अप्रैल को चेन्नई लौट आए और वापस उड़ान भरने से पहले अभिनेता को फिल्मांकन के दौरान चोट लग गई और मई के मध्य में निर्माताओं ने कथित तौर पर फिल्मांकन फिर से शुरू किया करने की संयुक्त राज्य अमेरिका जाते हुए देखा गया था। मई के अंत में पुंडचेरी और उसका आसपास बीच रोड को और ओल्ड फोर्ट सहित कई प्रकार की और इन्होंने मार्च 2024 में वेंकट प्रभु ने पुष्टि की कि चेन्नई लॉस एंजल्स में फिल्मांकन के साथ साथ उन्होंने VFX और CGI कार्य शुरू हो गए थे। उन्होंने आगे कहा कि प्रभाव कार्य 5 कंपनियों द्वारा किया जाएगा और विजय ने मई के मध्य में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की और 14 मई 50% पूरा कर लिया और हरियर सुथान VFX के तहत फिल्म के विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर के साथ ही BH2 स्टूडियोज भी एक इसी इन्होंने डिजिटल इंटरमीडिएट के सम्मेलन टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि विजय के युवा चरित्र को दिखाने वाले 10 मिनट के लिए सिक्वेंस के लिए उन्नत डीएजिंग तकनीकी पर 6 करोड़ का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआत में फिल्म को जून में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी जो विजय के 50वें जन्मदिन के साथ मेल खाता था और घटना के व्यापक पोस्ट प्रोडक्शन और VFX के कार्यों के कारण इसमें देरी हो गई थी और साउंड ट्रैक वन शंकर राजा द्वारा रचित और जो फुदिया गीताई 2003 के बाद विजय के साथ उनका दूसरा और प्रभु के साथ 10वां सहयोग एक ऑडियो लॉन्च आयोजित करने का इरादा था लेकिन बाद में इसे अज्ञात कारणों से रद्द कर दिया गया था और उन्होंने वीक्वेल पोडो चिन्ना चिन्ना कंगाल स्पार्क और मट्टा वाले एल्बम को फिल्म के रिलीज से 2 दिन पहले 3 सितंबर 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म का फर्स्ट पोस्टर लुक उन्होंने 31 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था जिसमें फिल्म का शीर्षक का खुलासा किया गया था। टीजर ट्रेलर 22 जून को रिलीज किया गया था और विजय के 50वें जन्मदिन के अवसर पर था। फिल्म का आधिकारिक माल 25 अगस्त 2024 को फिल्मी डाइस मिसाकर कलर पार्ट्स और नम्मा ट्राइबर द्वारा लॉन्च किया गया था और 29 जुलाई 2024 को फिल्म की क्रिटिक्स प्रोड्यूस अर्चना कल्पना ने घोषणा की थी कि फिल्म के अपडेट अगले महीने से जारी किए जाएंगे और तीसरे सिंगल के आधिकारिक घोषणा पोस्टर जो 1 और 2 अगस्त को जारी किए गए दोनों को प्रशंसकों और आमतौर पर दर्शकों नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जिसमें से ज्यादातर की आलोचना विजय के DH लुक के लिए की गई थी और इन्होंने इस प्रमोशनल फिल्म के अंतिम ट्रेलर अगस्त 2024 में रिलीज किया गया था और ट्रेलर की विजय के DH लुक को सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था और जिसे पिछले समाचार सामग्री में उनके DH लुक से बेहतर माना गया। वेंकट प्रभु ने पुष्टि की कि यह पिछले आलोचनात्मक से जवाब में था। इन्होंने हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिल्म के बारे में। यह फिल्म 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसे जिसका निर्देशक वेंकट प्रभु ने किया और इसका निर्माण AGS एंटरटेनमेंट ने किया। फिल्म ने विजय 4 भूमिकाओं में जिसका साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमल अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमिगी अमरेन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन। यह स्टूडियो को 25वां प्रोडक्शन है और जो और राजनीतिक प्रवेश से पहले विजय की यह अंतिम फिल्म है। फिल्म आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं के समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों में उपजी थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की 68वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 तक अंत तक पूरी हो गई। फिल्मांकन स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पुंडचेरी तिरुवनंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। फिल्म का संगीत वन शंकर राजा ने तैयार किया है, छायांकन सिद्धार्थ नूनी ने किया है और संपादन वेंकट राजन ने किया है। 380 से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी AGS की सबसे महंगी फिल्म है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को 5 सितंबर 2024 को मानक और IMAX प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक्शन दृश्य और चरमोत्कर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास और लेखक की कमी की आलोचना की गई थी। और इन्होंने इस फिल्म में 2008 में केन्या में MS गांधी और उनके साथियों सुनील त्यागराजन कल्याण सुंदरम और अजय गोविंद से मिलकर बना विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ता के साथ आतंकवादी उमर को पकड़कर उससे यूरेनियम निकालता है।
उनके पूर्व प्रमुख राजीव मेनन जो देशद्रोह के आरोप के बाद फरार है भी उसी ट्रेन में वे मेनन में यूरेनियम वापस लेते हैं और जिस ट्रेन में वह सवार थे उसे नष्ट कर देते हैं। यह मानते हुए कि मेनन सहित ट्रेन में सवार सभी लोग मर चुके हैं, दिल्ली में वापस टीम एक ट्रेवल एजेंसी के कर्मचारियों के रूप में गुप्त रूप से रहती है, अपने परिवारों से अपनी असली नौकरी छिपाती है। गांधी अपनी पत्नी अनुराधा अनु के साथ रहते हैं जो गर्भवती है और उनका 5 वर्षीय बेटा जीवन है। गांधी का जब बैंकॉक में एक नया मिशन सौंपा जाता है तो वह अनु के व्यवसाय के संदेह को दूर करने के लिए अपने परिवार को साथ ले जाता है। मिशन पूरा करने के बाद गांधी और उसके परिवार पर हमला होता है जिसके कारण अनु का प्रसव पीड़ा होती है और जीवन पर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ शव मिलता है जिसे वे जीवन की मानते हुए जिससे गांधी तबाह हो जाती है और अनु एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन दुख के कारण गांधी से बात करना बंद कर देती है। 2024 तक गांधी ने दस्ते को छोड़ दिया और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आवर्जन अधिकारी के रूप में काम किया हुआ और अनु अलग अलग रहते और उनकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है। कल्याण के सुझाव पर गांधी के पूर्व बॉस नजीर ने उन्हें फिर से खोले गए भारतीय दूतावास में नए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए मॉस्को जाने के लिए कहा। अनिच्छुक होने के बावजूद गांधी सहमत हो जाते हैं, लेकिन उनके रहने के दौरान दूतावास पर एक गिरोह का द्वारा हमला किया जाता है। गांधी उनसे लड़ता और हमलावरों में से एक हुआ डेप्लोगेंगर को देखकर चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि यह जीवन और जब वह हमलावरों के बचाव में उसकी मदद करता है तो वह उसकी पुष्टि करता है। वे चेन्नई लौटते हैं अब और परिवार से मिलता है और अनु से फिर से शादी से बात करना शुरू करती है। नजीर ने गांधी को चेन्नई मेट्रो स्टेशन पर एक जरूरी बैठक के लिए बुलाया। गांधी हमलावरों से लड़ने के लिए समय पर पहुंच जाते हैं, लेकिन नजीर को नकाबपोश व्यक्ति द्वारा मार दिया जाता है जो बाद में जीवन के रूप में सामने आता है और गांधी SATS के दस्ते में वापस आता और टीम लगाता है। कौन उनकी एजेंसी को खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहा है? नजीर के फोन में आजीवन और मॉस्को से उसके गिरोह के बारे में सारी जानकारी जीवन के साथी सर ने मेट्रो स्टेशन पर नजीर से फोन ले लिया। जब नजीर ने उसे गिरा दिया तो लेकिन सर जीवन को बताता है कि फोन गुम हो गया। यह पता चलता है कि जीवन पर पूरे समय मेनन के लिए काम कर रहा था और वह किसी कारण से गांधी के परिवार के पास आया था। यह भी पता चला कि मेनन 2008 में ट्रेन विस्फोट के में बच गया था, लेकिन इस घटना में उसका पूरा परिवार मर गया। बदला लेने के लिए उसने बैंकॉक में गांधी का पता लगाया, जीवन का अपहरण किया और उसे किशोर सुधार गृह में रखा गया जिससे उससे डर पैदा हो गया कि फिर उसने सुविधा के सदस्यों को मारकर जीवन को बचाया, उसका विश्वास जीता और उसका नाम बदलकर संजय रख दिया। मेनन द्वारा बहकाए गए जीवन को यह विश्वास हो गया कि गांधी उसके परिवार की मौतों के लिए जिम्मेदार है। इस नफरत से प्रेरित होकर जीवन ने अपना जीवन मेनन को गांधी से बदला लेने के लिए समर्पित कर दिया गया। डायमंड बाबू नामक चोर नाजीर और फोन चुरा लेते हैं जिसमें महत्वपूर्ण सबूत है। गांधी उसे वापस खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन बीच में आ जाता है और जिससे एक घातक टकराव होता है जिसमें अजय की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और अब्दुल और मेनन की गिरफ्तारी के बाद जीवन श्रीनिधि को अपहरण कर लेता और अपनी रिहाई के लिए सुनील को ब्लैकमेल करता है। कल्याण मेनन की साथी के रूप में उजागर होकर गांधी को उन्हें मुक्त करने के लिए मना लेता है। जीवन श्रीनिधि का गला काट देता है और कल्याण उसे मुख्य गवाह बनने से रोकने के लिए उसका दम घोट देता है। शाह को पता लगाने के दौरान गांधी सहयोग से जीवन को ढूंढ लेता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। पूछताछ के दौरान वह सुनील की बंदूक जब्त कर लेता है और उसे मार डालता है और गांधी को उसे बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है जिससे जीवन भागने में सफल हो जाता है। हालांकि सुनील के जीवित होने का खुलासा होता है और वह कल्याण को मार देता है। इस बीच मेनन अनु का अपहरण करता लेता है और बमबारी की योजना का खुलासा करता है। इस बात से अनजान किया गांधी की चाल है, गांधी मेनन को पकड़ लेता और उसे जीवन से बातचीत करने के लिए एमए चिदंबरम स्टेडियम ले जाता और जिसमें बमबारी रुक जाती है। जीवन की योजना स्टेडियम में कई बम विस्फोट करने की और गांधी को देशद्रोह के आरोप में फंसाने की वह जीवन के गुंडों को वश करने करता और उसका सामना करता और अंततः स्टेडियम के ऊपर उसे मार डालता है।
मिड क्रेडिट सीन में यह पता चलता है कि जीवन वास्तव में एक क्लोन था। असली जीवन उसे अब संजय के नाम से जाना जाता है। मानव क्लोनिंग में विशेषज्ञता प्राप्त एक वैज्ञानिक और उसने अपनी गंदी योजनाओं को जारी रखने के लिए क्लोन तैयार किया है और उन्होंने इस नवंबर 2021 के अंत में विजय योजना ने निर्देशक इटली के साथ 3 सफल फिल्मों में काम किया था, जो मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी 68वीं फिल्म फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी। थेरी 2016, मार्शल 2017 और मिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान 2023 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। और इसी बीच विजय दो परियोजनाओं वारिसु और लियो दोनों 2023 पर काम करेंगे और इसे 24 दिसंबर को उवान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की तस्वीर पोस्ट की, जिसे फोदिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्मिलन के संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था। विजय और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टों पूरे 2022 तक जारी रही। उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मांकन जून 2023 में शुरू होने वाला था, क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी, क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून 2023 थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि अगले मई में इटली को इस परियोजनाओं को निर्देशन नहीं करने की पुष्टि हुई और क्योंकि उन्होंने एक अन्य फिल्म हिंदी फिल्म साइनअप की जो बेबी और नवंबर 2021 में के अंत में विजय जिन्होंने ने निर्देशक इटली के साथ 3 सफल फिल्मों में काम किया था, जो मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी 68वीं फिल्म है फिर से या उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी। और थेरी 2016, मार्शल 2017 और मिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान 2023 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। और इस बीच विजय दो परियोजनाओं वारिसु और लियो दोनों 2023 पर काम करेंगे और 24 दिसंबर को विवान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की तस्वीर पोस्ट की, जिससे पुदिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य के पुनर्मिलन के संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था। विजय और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टों पर 2022 तक जारी रही। उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मांकन जून 2023 में शुरू होने वाला था, क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी, क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून 2023 थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अगले मई में इटली और इस परियोजनाओं का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि हुई, क्योंकि उन्होंने एक अन्य फिल्म हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन में 2024 बन गई थी। विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी, जिनमें से निर्देशक वेंकट प्रभु और गोपीचंद मालिनी ने की पटकथाएं भी शामिल थी। और इसे 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी 68वीं फिल्म प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी, जिसे अस्थायी रूप से थलापति 68 के शीर्षक दिया गया। एजीएस एंटरटेनमेंट ने फिल्म का निर्माण करेगी, जबकि अर्चना कल्पना ने इस कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना ने रचनात्मक रूप से इसकी पुष्टि की गई थी। और जबकि और प्रोडक्शन हाउस और सबसे महंगा और 25वां फिल्म निर्माण है, यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनी थी। अगले अगस्त टीम विजय के पत्रों में एक प्रारूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजिल्स के लिए रवाना हुई। इस तकनीकी का इस्तेमाल पहले फैन 2016 और इंडियन 2024 के लिए किया गया था। फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 31 दिसंबर 2023 को घोषित किया गया था। फिल्म की साइंस फिक्शन फिल्म बताया गया था। फिल्म के रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया। घोषणा से 10 महीने पहले प्रभु ने विजय के से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था, जिसे बाद में विकसित करने का अनुरोध किया गया था। और मई 2023 की शुरुआत में विकसित पूरा करने के बाद प्रभु ने उस महीने के अंत में फिर से विजय से मुलाकात की और पटकथा सुनाई। इसके बाद विजय ने स्क्रिप्ट की मंजूरी दी और उसे अंतिम रूप दिया गया। प्रभु ने विजय के साथ फिल्म की पटकथा और संवाद लिखे। अतिरिक्त पटकथा के चंद्रू और अजाल आरसु गुणशेखरन ने लिखी और 2 अक्टूबर 2023 को चेन्नई की प्रसाद लैब्स में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई थी।
उसी महीने सिद्धार्थ नोनी को छायाकार के रूप में घोषित किया गया। वेंदु थानेन्दु काडू 2022 और कैप्टन मिलर 2024 के बाद उनकी तीसरी तमिल फिल्म में विजय और प्रभु के साथ उनकी पहली फिल्म थी। भगवान शंकर राजा को संगीत देने के लिए पुष्टि की गई थी। निर्देशक के साथ उनकी लगातार तीसरी फिल्म में उन्होंने कुल 10 फिल्मों की थी और तकनीकी दल में छायाकार सिद्धार्थ नोनी, संपादक वेंकट राजन, प्रोडक्शन डिजाइनर राजीवन नानिवियार, स्टंट कोरियोग्राफर दिलीप सुबरायन, कला निर्देशक शेखर और सूर्या राजीवन, कॉस्ट्यूम डिजाइनर वास्की भास्कर और पल्लवी सिंह शामिल है। SM वेंकट मणिकम को कार्यकारी निर्माता नियुक्त किया गया था। विजय ने एक बुजुर्ग और एक युवा चरित्र के रूप में दोहरी भूमिका निभाई है। युवा भूमिका के लिए उन्हें अपनी ट्रेडमार्क मूछें मुड़वानी पड़ी। युवा संस्करण को चित्रित करने के लिए डी एजिंग तकनीकी का उपयोग किया गया था और शुरुआत में भूमिकाओं के लिए प्रभु की पसंद में बड़े किरदार के लिए रजनीकांत और छोटे के लिए धनुष शामिल थे। शुरुआत में ज्योतिका को मुख्य महिला भूमिका को पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया गया क्योंकि भूमिका का इसे कोई लेना देना नहीं था। और बाद में मीनाक्षी चौधरी और स्नेहा को मुख्य महिला भूमिका के लिए लिया गया, जिसमें चौधरी ने युवा विजय के साथ जोड़ी बनाई अभिनेता के साथ अपने पहले सहयोग में, जबकि स्नेहा वसीगरा 2003 में उनके साथ काम करने के बाद विजय के साथ फिर से जुड़ गई। प्रभु देवा का एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों में शामिल हुए। दो फिल्मों का निर्देशन करने के बाद विजय के साथ उनका पहला अभिनय साथ था और सहयोग था, जबकि प्रशांत एक महत्वपूर्ण भूमिका में आगे लिया गया जो पहली बार बाद में उनके साथ सहयोग कर रहे थे। लैला वैभव मोहन जयराम और अजमल आमिर, योगी बाबू, VTV गणेश, प्रभु के लगातार सहयोगी प्रेमगी अमरेन, अरविंद, आकाश और अजय राज प्रमुख भूमिकाओं निभाने की घोषणा की गई थी। बाबू और गणेश ने प्रभु के साथ अपना पहला सहयोग किया। मुहूर्त पूजा में उनकी उपस्थिति के दौरान उनके शामिल होने की पुष्टि की गई थी और माधवन और अरविंद स्वामी मोहन की भूमिका के लिए मूल पसंद थे और स्नेहा के लिए ज्योतिका का सिमरन या नयनतारा पार्वती नायर खुलासा किया गया कि वह जनवरी 2024 में कलाकारों का हिस्सा थी। युगेंद्रन फिल्म का प्रारंभिक शूटिंग में मौजूद थे, जिससे उनकी उपस्थिति की पुष्टि हुई। वह त्रिपाठी 2005 के बाद विजय के साथ अभिनय करेंगे। दिवंगत विजयकांत की पत्नी प्रेमलता ने पुष्टि की कि बाद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता में के उपयोग में के साथ फिल्म के लिए एक दृश्य में उन्हें दिखाया जाएगा। YG महेंद्रन ने कहा कि वह फिल्म बीट के साथ एक साक्षात्कार के दौरान एक कैमियो भूमिका भी निभाएंगे। अयाज खान ने जीवन और एक किशोर के रूप में चित्रित किया, जिसमें उसका चेहरा विजय से मिलता जुलता डिजिटल रूप से रूपांतरित किया गया था और यह मुख्य फोटोग्राफी 3 अक्टूबर 2023 को चेन्नई के प्रसाद लैब्स पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी। इन्होंने इस फिल्म में कई प्रकार की भूमिका भी निभाई थी और राज सुंदरम द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था और विजय प्रसन्न देवा और अजमल पर फिल्माया गया। एक गाना सिक्वेंस सबसे पहले फिल्माया गया था। कथित तौर पर निर्माताओं ने इस सीक्वेंस के लिए AI का इस्तेमाल किया गया जो 9 अक्टूबर तक समाप्त हुआ गया था और दूसरा शेड्यूल 30 अक्टूबर को थाईलैंड में शुरू हुआ, जिसमें विजय 3 नवंबर को उनके साथ शामिल हुए। टीम ने इसे शेड्यूल के ज़्यादातर बैंकॉक में शूटिंग की। फिल्मांकन 10 दिनों के भीतर विजय ने शेड्यूल के लिए अपने हिस्सों की फिल्मांकन पूरा कर लिया और चेन्नई लौट आए। निर्माता थाईलैंड में ही रहे और अभिनेता को शामिल नहीं करने वाले हिस्सों फिल्माए। प्रभु ने कथित तौर पर 27 दिसंबर को शेड्यूल समाप्त होने से पहले महत्वपूर्ण दृश्यों की फिल्माने के लिए एक प्रमुख कलाकारों की एकजुट किया था और नए साल के अंतराल के बाद 7 जनवरी 2024 को श्रीलंका में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। 2 फरवरी को विजय ने एक और फिल्म पूरी करने की राजनीतिक प्रवेश करने के बाद फिल्मों में संन्यास की घोषणा की और जिसमें यह उनकी अंतिम फिल्म बन गई। सिद्धार्थ नोनी ने एक महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग करने के लिए 3 कैमरों का इस्तेमाल किया था। ऐसा कुछ उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। फरवरी की शुरुआत में उन्होंने कहा कि फिल्मांकन का आधा हिस्सा पूरा हो गया था और 5 फरवरी को पौंडिचेरी में एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू हुआ और इस शेड्यूल के दौरान विजय प्रशांत और देवा का एक फुटेज लीक हो गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। इसके चलते फिल्म के अधिकारी प्रौद्योगिकी की सुरक्षा साझेदारी ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को लीक हुई सामग्री को
सजा करने से चेतावनी दी और कहा कि लीक को हटा दिया जाएगा। मार्च की शुरुआत में यह बताया गया कि श्रीलीला को शामिल करने वाला एक आइटम नंबर तय किया गया था, हालांकि उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बाद में त्रिशा कृष्णा ने उनकी जगह ले ली और मटा गीत का उनका हिस्सा चेन्नई में शूट किया गया। निर्माताओं ने शुरू में मोरक्को निम्नलिखित कार्यक्रम में शूटिंग करने का फैसला किया था, हालांकि फिल्मांकन में स्थान को केरल के अंतिम रूप दिया गया था और वहाँ का कार्यक्रम 16 मार्च को शुरू होने वाला था, लेकिन 2 दिन बाद शुरू हुआ। और कावलन 2011 के बाद विजय इस फिल्म के साथ फिल्मांकन के लिए केरल लौटेंगे, इसलिए उनके प्रशासन हवाई अड्डे के सामने इकट्ठा हुआ जहाँ अभिनेता उतरेंगे। सुबह 11 बजे शाम 5 बजे तक भीड़ जमा रहेगी। शेड्यूल की शूटिंग तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम के में शुरू हुआ। 21 मार्च को फिल्मांकन के दौरान आधी रात को स्टेडियम के बाहर अपने प्रशासकों को मौजूदगी के कारण विजय ने शूटिंग रोक दी, जिन उनसे मिले और उनका अभिवादन किया। और अगले दिन अभिनेता प्रशंसकों के साथ वहाँ के एक बाहरी सभा की व्यवस्था की गई। अपने सामान्य ट्रेडमार्क के रूप में उन्होंने एक वीडियो लिया और इसे अपने सोशल मीडिया पेजों पर पोस्ट किया गया। निर्धारित भागों के लिए फिल्मांकन 23 मार्च को तक पूरा हो गया था। 7 अप्रैल को निर्माताओं ने अगले कार्यक्रम के लिए रूस के मास्को के लिए उड़ान भरी और कार्यक्रम की शुरुआती में फिल्माए गए दृश्यों को एक स्कूल परिसर में फिल्माया गया था। कार्यक्रम के एक पीछा करने का दृश्य फिल्माया गया था। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना वोट डालने के लिए विजय ने 18 अप्रैल को चेन्नई लौटाए। वापस उड़ान भरने से पहले अभिनेता को फिल्मांकन के दौरान चोट लग गई और मई के मध्य में निर्माताओं ने कथित तौर पर फिल्मांकन फिर से शुरू किया करने की संयुक्त राज्य अमरीका जाती हुए देखा गया था। मई के अंत में पुंडेचेरी और उसका आसपास बीच रोड को और ओल्ड फोर्ट सहित कई प्रकार की और इन्होंने मार्च 2024 में वेंकट प्रभु ने पुष्टि की कि चेन्नई लॉस एंजल्स में फिल्मांकन के साथ साथ उन्होंने VFX और CGI कार्य शुरू हो गए थे। उन्होंने आगे कहा कि प्रभाव कार्य 5 कंपनियों द्वारा किया जाएगा और विजय ने मई के मध्य में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की और 14 मई 50% पूरा कर लिया और हरियर सुथान VFX के तहत फिल्म के विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर के साथ ही BH2 स्टूडियोज भी एक इसी उन्होंने डिजिटल इंटरमीडिएट के समालोचन टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि विजय के युवा चरित्र को दिखाने वाले 10 मिनट के लिए सिक्वेंस के लिए उन्नत डीएजिंग तकनीकी पर 6 करोड़ का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआत में फिल्म को जून में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी जो विजय के 50वें जन्मदिन के साथ मेल खाता था और घटना के व्यापक पोस्ट प्रोडक्शन और VFX के कार्यों के कारण इसमें देरी हो गई थी। और साउंड ट्रैक वान शंकर राजा द्वारा रचित और जो फुदिया गीताई 2003 के बाद विजय के साथ उनका दूसरा और प्रभु के साथ 10वां सहयोग एक ऑडियो लॉन्च आयोजित करने का इरादा था, लेकिन बाद में इसे अज्ञात कारणों से रद्द कर दिया गया था। और उन्होंने वीक्वेल पोडो चिन्ना चिन्ना कंगाल स्पार्क और मट्टा वाले एल्बम को फिल्म के रिलीज से 2 दिन पहले 3 सितंबर 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म का फर्स्ट पोस्टर लुक उन्होंने 31 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था जिसमें फिल्म का शीर्षक का खुलासा किया गया था। टीजर ट्रेलर 22 जून को रिलीज किया गया था और विजय के 50वें जन्मदिन के अवसर पर था। फिल्म का आधिकारिक माल 25 अगस्त 2024 को फिल्मी डाइस मिसाकर कलर पार्ट्स और नम्मा ट्राइबर द्वारा लॉन्च किया गया था और 29 जुलाई 2024 को फिल्म की क्रिटिक्स प्रोड्यूसर अर्चना कल्पना ने घोषणा की थी कि फिल्म के अपडेट अगले महीने से जारी किए जाएंगे। और तीसरे सिंगल के आधिकारिक घोषणा पोस्टर जो 1 और 2 अगस्त को जारी किए गए दोनों को प्रशंसकों और आमतौर पर दर्शकों नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जिसमें से ज़्यादातर की आलोचना विजय के DH लुक के लिए की गई थी। और इन्होंने इस प्रमोशनल फिल्म के अंतिम ट्रेलर 2024 में रिलीज किया गया था और ट्रेलर की विजय के DH लुक को सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था और जिसे पिछले समाचार सामग्री में उनके DH लुक से बेहतर माना गया। वेंकट प्रभु ने पुष्टि की कि यह पिछले आलोचनात्मक से जवाब में था। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिल्म के बारे में। यह फिल्म 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसे जिसका निर्देशक वेंकट प्रभु ने किया और इसका निर्माण AGS एंटरटेनमेंट ने किया। फिल्म ने विजय 4 भूमिकाओं में जिसका साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमल अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमिगी अमरेन स्नेहा लीला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन। यह स्टूडियो को 25वां प्रोडक्शन है और जो और राजनीतिक परिवेश से पहले विजय की यह अंतिम फिल्म है। फिल्म आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं के समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों में उपजी थी।
फिल्म को आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था, क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की 68वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 तक अंत तक पूरी हो गई। फिल्मांकन स्थानों में चेन्नई, थाईलैंड, हैदराबाद, श्रीलंका, पुंडेचेरी, तिरुवनंतपुरम, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। फिल्म का संगीत वन शंकर राजा ने तैयार किया है, छायांकन सिद्धार्थ नोनी ने किया है और संपादन वेंकट राजन ने किया है। 380 से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को 5 सितंबर 2024 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया, जिन्होंने विजय के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और चरमोत्कर्ष की प्रशंसा की, जबकि चरित्र विकास और लेखक की कमी की आलोचना की गई थी। और इन्होंने इस फिल्म में 2008 में केन्या में एमएस गांधी और उनके साथियों सुनील त्यागराजन, कल्याण सुंदरम और अजय गोविंद से मिलकर बना विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ता के साथ आतंकवादी उमर को पकड़कर उससे यूरेनियम निकालता है। उनके पूर्व प्रमुख राजीव मेनन, जो देशद्रोह के आरोप के बाद फरार है, भी उसी ट्रेन में वे मेनन में यूरेनियम वापस लेते हैं और जिस ट्रेन में वह सवार थे उसे नष्ट कर देते हैं। यह मानते हुए कि मेनन सहित ट्रेन में सवार सभी लोग मर चुके हैं, दिल्ली में वापस टीम एक ट्रेवल एजेंसी के कर्मचारियों के रूप में गुप्त रूप से रहती है, अपने परिवारों से अपनी असली नौकरी छिपाती है। गांधी अपनी पत्नी अनुराधा अनु के साथ रहते हैं, जो गर्भवती है, और उनका 5 वर्षीय बेटा जीवन है। गांधी का जब बैंकॉक में एक नया मिशन सौंपा जाता है तो वह अनु के व्यवसाय के संदेह को दूर करने के लिए अपने परिवार को साथ ले जाता है। मिशन पूरा करने के बाद गांधी और उसके परिवार पर हमला होता है, जिसके कारण अनु का प्रसव पीड़ा होती है और जीवन पर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ शव मिलता है, जिसे वे जीवन की मानते हुए जिससे गांधी तबाह हो जाती है और अनु एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन दुख के कारण गांधी से एक बात करना पर बंद कर देती है। 2024 तक गांधी ने दस्ते को छोड़ दिया और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आवर्जन अधिकारी के रूप में काम किया हुआ और अनु अलग अलग रहते हैं और उनकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है। कल्याण के सुझाव पर गांधी के पूर्व बॉस नजीर ने उन्हें फिर से खोले गए भारतीय दूतावास में नए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए मास्को जाने के लिए कहा। अनिच्छुक होने के बावजूद गांधी सहमत हो जाते हैं, लेकिन उनके रहने के दौरान दूतावास पर एक गिरोह का द्वारा हमला किया जाता है। गांधी उनसे लड़ता और हमलावरों में से एक हुआ डेप्लोगेंगर को देखकर चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि यह जीवन, और जब वह हमलावरों के बचाव में उसकी मदद करता है तो वह इसकी पुष्टि करता है। वे चेन्नई लौटते हैं अब और परिवार से मिलता है और अनु से फिर से शादी से बात करना शुरू करती है। नजीर ने गांधी को चेन्नई मेट्रो स्टेशन पर एक जरूरी बैठक के लिए बुलाया। गांधी हमलावरों से लड़ने के लिए समय पर पहुंच जाते हैं, लेकिन नजीर को नकाबपोश व्यक्ति द्वारा मार दिया जाता है, जो बाद में जीवन के रूप में सामने आता है। और गांधी एसएटीएस के दस्ते में वापस आता है और टीम लगाता है। कौन उनकी एजेंसी को खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहा है? नजीर के फोन में आजीवन और मास्को से उसके गिरोह के बारे में सारी जानकारी जीवन के साथी सर ने मेट्रो स्टेशन पर नजीर से फोन ले लिया। जब नजीर ने उसे गिरा दिया तो लेकिन सर जीवन को बताता है कि फोन गुम हो गया। यह पता चलता है कि जीवन पर पूरे समय मेनन के लिए काम कर रहा था और वह किसी कारण से गांधी के परिवार के पास आया था। यह भी पता चला कि मेनन 2008 में ट्रेन विस्फोट के में बच गया था, लेकिन इस घटना में उसका पूरा परिवार मर गया। बदला लेने के लिए उसने बैंकॉक में गांधी का पता लगाया, जीवन का अपहरण किया और उसे किशोर सुधार गृह में रखा गया, जिससे उससे डर पैदा हो गया कि फिर उसने सुविधा के सदस्यों को मारकर जीवन को बचाया, उसका विश्वास जीता और उसका नाम बदलकर संजय रख दिया। मेनन द्वारा बहकाए गए जीवन को यह विश्वास हो गया कि गांधी उसके परिवार की मौतों के लिए जिम्मेदार है। इस नफरत से प्रेरित होकर जीवन ने अपना जीवन मेनन को गांधी से बदला लेने के लिए समर्पित कर दिया गया।
डायमंड बाबू नामक चोर नाजीर और फोन चुरा लेते हैं, जिससे जिसमें महत्वपूर्ण सबूत है। गांधी उसे वापस खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन बीच में आ जाता है, और जिससे एक घातक टकराव होता है जिसमें अजय की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और अब्दुल और मेनन की गिरफ्तारी के बाद जीवन श्रीनिधि को अपहरण कर लेता है और अपनी रिहाई के लिए सुनील को ब्लैकमेल करता है। कल्याण मेनन की साथी के रूप में उजागर होकर गांधी को उन्हें मुक्त करने के लिए मना लेता है। जीवन श्रीनिधि का गला काट देता है और कल्याण उसे मुख्य गवाह बनने से रोकने के लिए उसका दम घोट देता है। शाह को पता लगाने के दौरान गांधी सहयोग से जीवन को ढूंढ लेता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। पूछताछ के दौरान वह सुनील की बंदूक जब्त कर लेता है और उसे मार डालता है और गांधी को उसे बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है, जिससे जीवन भागने में सफल हो जाता है। हालांकि सुनील के जीवित होने का खुलासा होता है और वह कल्याण को मार देता है। इस बीच मेनन अनु का अपहरण करता लेता है और बमबारी की योजना का खुलासा करता है। इस बात से अनजान की यह गांधी की चाल है, गांधी मेनन को पकड़ लेता है और उसे जीवन से बातचीत करने के लिए एमए चिदंबरम स्टेडियम ले जाता है, और जिसमें बमबारी रुक जाती है। जीवन की योजना स्टेडियम में कई बम विस्फोट करने की और गांधी को देशद्रोह के आरोप में फंसाने की वह जीवन के गुंडों को वश करने करता और उसका सामना करता और अंततः स्टेडियम के ऊपर उसे मार डालता है। मिड क्रेडिट सीन में यह पता चलता है कि जीवन वास्तव में एक क्लोन था। असली जीवन उसे अब संजय के नाम से जाना जाता है। मानव क्लोनिंग में विशेषज्ञता प्राप्त एक वैज्ञानिक और उसने अपनी गंदी योजनाओं को जारी रखने के लिए क्लोन तैयार किया है, और उन्होंने इसे नवंबर 2021 के अंत में विजय योजना ने निर्देशक एटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था, जो मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी 68वीं फिल्म फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी। थेरी 2016, मर्सल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान 2023 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। और इसी बीच विजय दो परियोजनाओं वारिसू और लियो दोनों 2023 पर काम करेंगे, और इसे 24 दिसंबर को उवान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की तस्वीर पोस्ट की, जिसे फुदिया गीतई 2003 के बाद निकट भविष्य में पूर्ण मिलन के संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था। वीजा और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टों पूरे 2022 तक जारी रही। उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मांकन जून 2023 में शुरू होने वाला था, क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी, क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून 2023 थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि अगले मई में इटली को इस परियोजनाओं को निर्देशन नहीं करने की पुष्टि हुई, और क्योंकि उन्होंने एक अन्य फिल्म हिंदी फिल्म साइन अप की जो बेबी, और नवंबर 2021 में के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था, जो मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी 68वीं फिल्म है फिर से या उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी। और थेरी 2016, मार्शल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान 2023 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। और इस बीच विजय दो परियोजनाओं वारिसू और लियो दोनों 2023 पर काम करेंगे, और 24 दिसंबर को विवान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की तस्वीर पोस्ट की, जिसे पुदिया गीतई 2003 के बाद निकट भविष्य के पूर्ण मिलन के संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था। विजय और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टों पर 2022 तक जारी रही। उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मांकन जून 2023 में शुरू होने वाला था, क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी, क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून 2023 थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अगले मई में इटली और इस परियोजनाओं का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि हुई, क्योंकि उन्होंने एक अन्य फिल्म हिंदी फिल्म साइन की थी, जो बेबी जॉन में 2024 बन गई थी। विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी, जिनमें से निर्देशक वेंकट प्रभु और गोपीचंद मालिनी ने की पटकथाएं भी शामिल थी।
और इसे 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी 68वीं फिल्म प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी, जिसे अस्थायी रूप से छलापति 68 के शीर्षक दिया गया। एजीएस एंटरटेनमेंट ने फिल्म का निर्माण करेगी, जबकि अर्चना कल्पना ने इस कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना ने रचनात्मक रूप से इसकी पुष्टि की गई थी, और जबकि और प्रोडक्शन हाउस और सबसे महंगा और 25वां फिल्म निर्माण है। यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनी थी। अगले अगस्त टीम विजय के पत्रों में एक प्रारूप बनाने के लिए विजुअल इंफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजिल्स के लिए रवाना हुई। इस तकनीकी का इस्तेमाल पहले फैन 2016 और इंडियन 2024 के लिए किया गया था। फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 31 दिसंबर 2023 को घोषित किया गया था। फिल्म की साइंस फिक्शन फिल्म बताया गया था। फिल्म के रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया। घोषणा से 10 महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था, जिसे बाद में विकसित करने का अनुरोध किया गया था, और मई 2023 की शुरुआत में विकसित पूरा करने के बाद प्रभु ने उस महीने के अंत में फिर से विजय से मुलाकात की और पटकथा सुनाई। इसके बाद विजय ने स्क्रिप्ट की मंजूरी दी और उसे अंतिम रूप दिया गया। प्रभु ने विजय के साथ फिल्म की पटकथा और संवाद लिखे। अतिरिक्त पटकथा के चंद्रू और एजा लारसु गुणशेखरन ने लिखी और 2 अक्टूबर 2023 को चेन्नई की प्रसाद लैब्स में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई थी। उसी महीने सिद्धार्थ नूनी को छायाकार के रूप में घोषित किया गया। वेंदु थानेंदु काडू 2022 और कैप्टन मिलर 2024 के बाद उनकी तीसरी तमिल फिल्म में विजय और प्रभु के साथ उनकी पहली फिल्म थी। भगवान शंकर राजा को संगीत देने के लिए पुष्टि की गई थी। निर्देशक के साथ उनकी लगातार तीसरी फिल्म में उन्होंने कुल 10 फिल्मों की थी और तकनीकी दल में छायाकार सिद्धार्थ नूनी, संपादक वेंकट राजन, प्रोडक्शन डिजाइनर राजीवन नानवियार, स्टंट कोरियोग्राफर दिलीप सुबरायन, कला निर्देशक शेखर और सूर्या राजीवन, कॉस्ट्यूम डिजाइनर वास्की भास्कर और पल्लवी सिंह शामिल है। एस एम वेंकट मणिकम को कार्यकारी निर्माता नियुक्त किया गया था। विजय ने एक बुजुर्ग और एक युवा चरित्र के रूप में दोहरी भूमिका निभाई है। युवा भूमिका के लिए उन्हें अपनी ट्रेडमार्क मूछें मुड़वानी पड़ी। युवा संस्करण को चित्रित करने के लिए डी एजिंग तकनीकी का उपयोग किया गया था और शुरुआत में भूमिकाओं के लिए प्रभु की पसंद में बड़े किरदार के लिए रजनीकांत और छोटे के लिए धनुष शामिल थे। शुरुआत में ज्योतिका को मुख्य महिला भूमिका को पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया गया क्योंकि भूमिका का इसे कोई लेना देना नहीं था, और बाद में मीनाक्षी चौधरी और स्नेहा को मुख्य महिला भूमिका के लिए लिया गया, जिसमें चौधरी ने युवा विजय के साथ जोड़ी बनाई अभिनेता के साथ अपने पहले सहयोग में, जबकि स्नेहा वसीगरा 2003 में उनके साथ काम करने के बाद विजय के साथ फिर से जुड़ गई। प्रभु देवा का एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों में शामिल हुए। दो फिल्मों का निर्देशन करने के बाद विजय के साथ उनका पहला अभिनय साथ था और सहयोग था, जबकि प्रशांत एक महत्वपूर्ण भूमिका में आगे लिया गया, जो पहली बार बाद में उनके साथ सहयोग कर रहे थे। लैला वैभव मोहन जयराम और अजमल आमिर, योगी बाबू, वीटीवी गणेश, प्रभु के लगातार सहयोगी प्रेमगी अमरेन, अरविंद, आकाश और अजय राज प्रमुख भूमिकाओं निभाने की घोषणा की गई थी। बाबू और गणेश ने प्रभु के साथ अपना पहला सहयोग किया। मुहूर्त पूजा में उनकी उपस्थिति के दौरान उनके शामिल होने की पुष्टि की गई थी, और माधवन और अरविंद स्वामी मोहन की भूमिका के लिए मूल पसंद थे, और स्नेहा के लिए ज्योतिका का सिमरन या नयनतारा पार्वती नायर खुलासा किया गया कि वह जनवरी 2024 में कलाकारों का हिस्सा थी। युगेंद्रन फिल्म का प्रारंभिक शूटिंग में मौजूद थे, जिससे उनकी उपस्थिति की पुष्टि हुई। वह त्रिपाठी 2005 के बाद विजय के साथ अभिनय करेंगे। दिवंगत विजयकांत की पत्नी प्रेमलता ने पुष्टि की कि बाद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता में के उपयोग में के साथ फिल्म के लिए एक दृश्य में उन्हें दिखाया जाएगा। वाईजी महेंद्रन ने कहा कि वह फिल्म बीट के साथ एक साक्षात्कार के दौरान एक कैमियो भूमिका भी निभाएंगे। अयाज खान ने जीवन और एक किशोर के रूप में चित्रित किया, जिसमें उसका चेहरा विजय से मिलता जुलता डिजिटल रूप से रूपांतरित किया गया था, और यह मुख्य फोटोग्राफी 3 अक्टूबर 2023 को चेन्नई के प्रसाद लैब्स से पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी। इन्होंने इस फिल्म में कई प्रकार की भूमिका भी निभाई थी और राज सुंदरम द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था और विजय प्रसाद देवा और अजमल पर फिल्माया गया। एक गाना सिक्वेंस सबसे पहले फिल्माया गया था।
कथित तौर पर निर्माताओं ने इस सीक्वेंस के लिए AI का इस्तेमाल किया गया जो 9 अक्टूबर तक समाप्त हुआ गया था और दूसरा शेड्यूल 30 अक्टूबर को थाईलैंड में शुरू हुआ जिसमें विजय 3 नवंबर को उनके साथ शामिल हुए। टीम ने इसे शेड्यूल के ज़्यादातर बैंकॉक में शूटिंग की। फिल्मांकन 10 दिनों के भीतर विजय ने शेड्यूल के लिए अपने हिस्सों की फिल्मांकन पूरा कर लिया और चेन्नई लौट आए। निर्माता थाईलैंड में ही रहे और अभिनेता को शामिल नहीं करने वाले हिस्सों फिल्माए। प्रभु ने कथित तौर पर 27 दिसंबर को शेड्यूल समाप्त होने से पहले महत्वपूर्ण दृश्यों की फिल्माने के लिए एक प्रमुख कलाकारों की एकजुट किया था और नए साल के अंतराल के बाद 7 जनवरी 2024 को श्रीलंका में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। 2 फरवरी को विजय ने एक और फिल्म पूरी करने की राजनीतिक प्रवेश करने के बाद फिल्मों में संन्यास की घोषणा की और जिसमें यह उनकी अंतिम फिल्म बन गई। सिद्धार्थ नूनी ने एक महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग करने के लिए 3 कैमरों का इस्तेमाल किया था। ऐसा कुछ उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। फरवरी की शुरुआत में उन्होंने कहा कि फिल्मांकन का आधा हिस्सा पूरा हो गया था और 5 फरवरी को पांडिचेरी में एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू हुआ और इस शेड्यूल के दौरान विजय प्रशांत और देवा का एक फुटेज लीक हो गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। इसके चलते फिल्म के अधिकारी प्रौद्योगिकी की सुरक्षा साझेदारी ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को लिखी हुई सामग्री को साझा करने से चेतावनी दी और कहा कि लीक को हटा दिया जाएगा। मार्च की शुरुआत में यह बताया गया कि श्रीलीला को शामिल करने वाला एक आइटम नंबर तय किया गया था, हालांकि उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बाद में त्रिशा कृष्णा ने उनकी जगह ले ली और मटा गीत का उनका हिस्सा चेन्नई में शूट किया गया। निर्माताओं ने शुरू में मोरक्को निम्नलिखित कार्यक्रम में शूटिंग करने का फैसला किया था, हालांकि फिल्मांकन में स्थान को केरल के अंतिम रूप दिया गया था और वहाँ का कार्यक्रम 16 मार्च को शुरू होने वाला था, लेकिन 2 दिन बाद शुरू हुआ और कावलन 2011 के बाद विजय इस फिल्म के साथ फिल्मांकन के लिए केरल लौटेंगे, इसलिए उनके प्रशासन हवाई अड्डे के सामने इकट्ठा हुआ जहाँ अभिनेता उतरेंगे। सुबह 11 बजे शाम 5 बजे तक भीड़ जमा रहेगी। शेड्यूल की शूटिंग तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम के में शुरू हुआ। 21 मार्च को फिल्मांकन के दौरान आधी रात को स्टेडियम के बाहर अपने प्रशासकों को मौजूदगी के कारण विजय ने शूटिंग रोक दी, जिन उनसे मिले और उनका अभिवादन किया और अगले दिन अभिनेता प्रशंसकों के साथ वहां के एक बाहरी सभा की व्यवस्था की गई। अपने सामान्य ट्रेडमार्क के रूप में उन्होंने एक वीडियो लिया और इसे अपने सोशल मीडिया पेजों पर पोस्ट किया गया। निर्धारित भागों के लिए फिल्मांकन 23 मार्च को तक पूरा हो गया था। 7 अप्रैल को निर्माताओं ने अगले कार्यक्रम के लिए रूस के मास्को के लिए उड़ान भरी और कार्यक्रम की शुरुआती में फिल्माए गए दृश्यों को एक स्कूल परिसर में फिल्माया गया था। कार्यक्रम के एक पीछा करने का दृश्य फिल्माया गया था। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना वोट डालने के लिए विजय ने 18 अप्रैल को चेन्नई लौट आए। वापस उड़ान भरने से पहले अभिनेता को फिल्मांकन के दौरान चोट लग गई और मई के मध्य में निर्माताओं ने कथित तौर पर फिल्मांकन फिर से शुरू किया करने की संयुक्त राज्य अमरीका जाते हुए देखा गया था। मई के अंत में पुंडेचरी और उसका आसपास बीच रोड को और ओल्ड फोर्ट सहित कई प्रकार की और इन्होंने मार्च 2024 में वेंकट प्रभु ने पुष्टि की कि चेन्नई लॉस एंजल्स में फिल्मांकन के साथ साथ उन्होंने VFX और CGI कार्य शुरू हो गए थे। उन्होंने आगे कहा कि प्रभाव कार्य 5 कंपनियों द्वारा किया जाएगा और विजय ने मई के मध्य में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की और 14 मई 50% पूरा कर लिया और हरियर सुथान VFX के तहत फिल्म के विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर के साथ ही BH2 स्टूडियोज भी एक इसी इन्होंने डिजिटल इंटरमीडिएट के समालन टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि विजय के युवा चरित्र को दिखाने वाले 10 मिनट के लिए सीक्वेंस के लिए उन्नत डीएजिंग तकनीकी पर 6 करोड़ का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआत में फिल्म को जून में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी जो विजय के 50वें जन्मदिन के साथ मेल खाता था और हालांकि व्यापक पोस्ट प्रोडक्शन और VFX के कार्यों के कारण इसमें देरी हो गई थी और साउंड ट्रैक वन शंकर राजा द्वारा रचित और जो फुदिया गीतई 2003 के बाद विजय के साथ उनका दूसरा और प्रभु के साथ 10वां सहयोग एक ऑडियो लॉन्च आयोजित करने का इरादा था, लेकिन बाद में इसे अज्ञात कारणों से रद्द कर दिया गया था और उन्होंने वीक्वेल पोडो चिन्ना चिन्ना कंगाल स्पार्क और मट्टा वाले एल्बम को फिल्म के रिलीज से 2 दिन पहले 3 सितंबर 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म का फर्स्ट पोस्टर लुक इन्होंने 31 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था जिसमें फिल्म का शीर्षक का खुलासा किया गया था। टीजर
ट्रेलर 22 जून को रिलीज किया गया था और विजय के 50वें जन्मदिन के अवसर पर था। फिल्म का आधिकारिक माल 25 अगस्त 2024 को फिल्मी डाइस मिसाकर कलर पार्ट्स और नम्मा ट्राइबर द्वारा लॉन्च किया गया था और 29 जुलाई 2024 को फिल्म की क्रिटिक्स प्रोड्यूस अर्चना कल्पना ने घोषणा की थी कि फिल्म के अपडेट अगले महीने से जारी किए जाएंगे और तीसरे सिंगल के आधिकारिक घोषणा पोस्टर जो 1 और 2 अगस्त को जारी किए गए दोनों को प्रशंसकों और आमतौर पर दर्शकों नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें से ज़्यादातर की आलोचना विजय के डीएच लुक के लिए की गई थी और इन्होंने इस प्रमोशनल फिल्म के अंतिम ट्रेलर अगस्त 2024 में रिलीज किया गया था और ट्रेलर की विजय के डीएच लुक को सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था और जिसे पिछले समाचार सामग्री में उनके डीएच लुक से बेहतर माना गया। वेंकट प्रभु ने पुष्टि की कि यह पिछले आलोचनात्मक से जवाब में था और इन्होंने हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिल्म के बारे में। यह फिल्म 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, इसे जिसका निर्देशक वेंकट प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया। फिल्म ने विजय चार भूमिकाओं में जिसका साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमल अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमिगी अमरेन स्नेहा लीला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन। यह स्टूडियो को 25वां प्रोडक्शन है और जो और राजनीतिक प्रवेश से पहले विजय की यह अंतिम फिल्म है। फिल्म आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं के समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों में उपजी थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की 68वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 तक अंत तक पूरी हो गई। फिल्मांकन स्थानों में चेन्नई, थाईलैंड, हैदराबाद, श्रीलंका, पुंडेचेरी, तिरुवनंतपुरम, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। फिल्म का संगीत वन शंकर राजा ने तैयार किया है, छायांकन सिद्धार्थ नूनी ने किया है और संपादन वेंकट राजन ने किया है। 380 से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को 5 सितंबर 2024 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया, जिन्होंने विजय के प्रदर्शन, एक्शन दृश्यों और चरमोत्कर्ष की प्रशंसा की, जबकि चरित्र विकास और लेखक की कमी की आलोचना की गई थी। और इन्होंने इस फिल्म में 2008 में केन्या में एमएस गांधी और उनके साथियों सुनील त्यागराजन, कल्याण सुंदरम और अजय गोविंद से मिलकर बना विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ता के साथ आतंकवादी उमर को पकड़कर उससे यूरेनियम निकालता है। उनके पूर्व प्रमुख राजीव मेनन जो देशद्रोह के आरोप के बाद फरार है भी उसी ट्रेन में वे मेनन में यूरेनियम वापस लेते हैं और जिस ट्रेन में वह सवार थे उसे नष्ट कर देते हैं। यह मानते हुए कि मेनन सहित ट्रेन में सवार सभी लोग मर चुके हैं, दिल्ली में वापस टीम एक ट्रेवल एजेंसी के कर्मचारियों के रूप में गुप्त रूप से रहती है, अपने परिवारों से अपनी असली नौकरी छिपाती है। गांधी अपनी पत्नी अनुराधा अनु के साथ रहते हैं जो गर्भवती है और उनका 5 वर्षीय बेटा जीवन है। गांधी का जब बैंकॉक में एक नया मिशन सौंपा जाता है तो वह अनु के व्यवसाय के संदेह को दूर करने के लिए अपने परिवार को साथ ले जाता है। मिशन पूरा करने के बाद गांधी और उसके परिवार पर हमला होता है जिसके कारण अनु का प्रसव पीड़ा होती है और जीवन पर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ शव मिलता है जिसे वे जीवन की मानते हुए जिससे गांधी तबाह हो जाती है और अनु एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन दुख के कारण गांधी से बात करना बंद कर देती है। 2024 तक गांधी ने दस्ते को छोड़ दिया और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आवर्जन अधिकारी के रूप में काम किया हुआ और अनु अलग अलग रहते हैं और उनकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है। कल्याण के सुझाव पर गांधी के पूर्व बॉस नजीर ने उन्हें फिर से खोले गए भारतीय दूतावास में नए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए मास्को जाने के लिए कहा। अनिच्छुक होने के बावजूद गांधी सहमत हो जाते हैं, लेकिन उनके रहने के दौरान दूतावास पर एक गिरोह को द्वारा हमला किया जाता है। गांधी उनसे लड़ता और हमलावरों में से एक हुआ डेप्लोगेंगर को देखकर चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि यह जीवन और जब वह हमलावरों के बचाव में उसकी मदद करता है तो वह इसकी पुष्टि करता है। वे चेन्नई लौटते हैं अब और परिवार से मिलता है और अनु से फिर से शादी से बात करना शुरू करती है। नजीर ने गांधी को चेन्नई मेट्रो स्टेशन पर एक जरूरी बैठक के लिए बुलाया। गांधी हमलावरों से
लड़ने के लिए समय पर पहुंच जाते हैं, लेकिन नजीर को नकाबपोश व्यक्ति द्वारा मार दिया जाता है जो बाद में जीवन के रूप में सामने आता है। और गांधी SATS के दस्ते में वापस आता और टीम लगाता है। कौन उनकी एजेंसी को खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहा है? नजीर के फोन में आजीवन और मास्को से उसके गिरोह के बारे में सारी जानकारी जीवन के साथी सह ने मेट्रो स्टेशन पर नजीर से फोन ले लिया। जब नजीर ने उसे गिरा दिया तो लेकिन सह जीवन को बताता है कि फोन गुम हो गया। यह पता चलता है कि जीवन पर पूरे समय मेनन के लिए काम कर रहा था और वह किसी कारण से गांधी के परिवार के पास आया था। यह भी पता चला कि मेनन 2008 में ट्रेन विस्फोट के में बच गया था, लेकिन इस घटना में उसका पूरा परिवार मर गया। बदला लेने के लिए उसने बैंकॉक में गांधी का पता लगाया, जीवन का अपहरण किया और उसे किशोर सुधार गृह में रखा गया, जिससे उससे डर पैदा हो गया कि फिर उसने सुविधा के सदस्यों को मारकर जीवन को बचाया, उसका विश्वास जीता और उसका नाम बदलकर संजय रख दिया। मेनन द्वारा बहकाए गए जीवन को यह विश्वास हो गया कि गांधी उसके परिवार की मौतों के लिए जिम्मेदार है। इस नफरत से प्रेरित होकर जीवन ने अपना जीवन मेनन को गांधी से बदला लेने के लिए समर्पित कर दिया गया। डायमंड बाबू नामक चोर नाजीर और फोन चुरा लेते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण सबूत है। गांधी उसे वापस खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन बीच में आ जाता है और जिससे एक घातक टकराव होता है जिसमें अजय की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और अब्दुल और मेनन की गिरफ्तारी के बाद जीवन श्रीनिधि को अपहरण कर लेता है और अपनी रिहाई के लिए सुनील को ब्लैकमेल करता है। कल्याण मेनन की साथी के रूप में उजागर होकर गांधी को उन्हें मुक्त करने के लिए मना लेता है। जीवन श्रीनिधि का गला काट देता है और कल्याण उसे मुख्य गवाह बनने से रोकने के लिए उसका दम घोट देता है। शाह को पता लगाने के दौरान गांधी सहयोग से जीवन को ढूंढ लेता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। पूछताछ के दौरान वह सुनील की बंदूक जब्त कर लेता है और उसे मार डालता है और गांधी को उसे बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है, जिससे जीवन भागने में सफल हो जाता है। हालांकि सुनील के जीवित होने का खुलासा होता है और वह कल्याण को मार देता है। इस बीच मेनन अनु का अपहरण करता लेता है और बमबारी की योजना का खुलासा करता है। इस बात से अनजान किया गांधी की चाल है, गांधी मेनन को पकड़ लेता और उसे जीवन से बातचीत करने के लिए MA चिदंबरम स्टेडियम ले जाता और जिसमें बमबारी रुक जाती है। जीवन की योजना स्टेडियम में कई बम विस्फोट करने की और गांधी को देशद्रोह के आरोप में फंसाने की वह जीवन के गुंडों को वश करने करता और उसका सामना करता और अंततः स्टेडियम के ऊपर उसे मार डालता है। मिड क्रेडिट सीन में यह पता चलता है कि जीवन वास्तव में एक क्लोन था। असली जीवन उसे अब संजय के नाम से जाना जाता है। मानव क्लोनिंग में विशेषज्ञता प्राप्त एक वैज्ञानिक और उसने अपनी गंदी योजनाओं को जारी रखने के लिए क्लोन तैयार किया है और उन्होंने इस नवंबर 2021 के अंत में विजय योजना ने निर्देशक इटली के साथ 3 सफल फिल्मों में काम किया था, जो मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी 68वीं फिल्म फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी। थेरी 2016, मार्शल 2017 और मिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान 2023 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। और इसी बीच विजय 2 परियोजनाओं वारिसु और लियो दोनों 2023 पर काम करेंगे और इसे 24 दिसंबर को उवान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की तस्वीर पोस्ट की, जिसे फोधिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पूर्ण मिलन के संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था। विजय और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टों पूरे 2022 तक जारी रही। उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मांकन जून 2023 में शुरू होने वाला था, क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी, क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून 2023 थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि अगले मई में इटली को इस परियोजनाओं को निर्देशन नहीं करने की पुष्टि हुई और क्योंकि उन्होंने एक अन्य फिल्म हिंदी फिल्म साइनअप की जो बेबी और नवंबर 2021 में के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ 3 सफल फिल्मों में काम किया था, जो मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी 68वीं फिल्म है। फिर से यह उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी और थेरी 2016, मार्शल 2017 और मिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए
हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान 2023 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। और इस बीच विजय दो परियोजनाओं वारिसु और लियो दोनों 2023 पर काम करेंगे और 24 दिसंबर को विवान शंकर राजा नायक्स के माध्यम से अपनी और विजय की तस्वीर पोस्ट की, जिससे पुदिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य के पुनर्मिलन के संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था। विजय और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टों पर 2022 तक जारी रही। उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मांकन जून 2023 में शुरू होने वाला था, क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी, क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून 2023 थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अगले मई में इटली और इस परियोजनाओं का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि हुई, क्योंकि उन्होंने एक अन्य फिल्म हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन में 2024 बन गई थी। विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी, जिनमें से निर्देशक वेंकट प्रभु और गोपीचंद मालिनी ने की पटकथाएँ भी शामिल थी। और इसे 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी 68वीं फिल्म प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी, जिसे अस्थायी रूप से थलापति 68 के शीर्षक दिया गया। एजीएस एंटरटेनमेंट ने फिल्म का निर्माण करेगी, जबकि अर्चना कल्पना ने इस कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना ने रचनात्मक रूप से इसकी पुष्टि की गई थी। और जबकि और प्रोडक्शन हाउस और सबसे महंगा और 25वां फिल्म निर्माण है, यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनी थी। अगले अगस्त टीम विजय के पत्रों में एक प्रारूप बनाने के लिए विजुअल इंफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजिल्स के लिए रवाना हुई। इस तकनीकी का इस्तेमाल पहले फैन 2016 और इंडियन 2024 के लिए किया गया था। फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 31 दिसंबर 2023 को घोषित किया गया था। फिल्म की साइंस फिक्शन फिल्म बताया गया था। फिल्म के रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया। घोषणा से 10 महीने पहले प्रभु ने विजय के से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था, जिसे बाद में विकसित करने का अनुरोध किया गया था। और मई 2023 की शुरुआत में विकसित पूरा करने के बाद प्रभु ने उस महीने के अंत में फिर से विजय से मुलाकात की और पटकथा सुनाई। इसके बाद विजय ने स्क्रिप्ट की मंजूरी दी और उसे अंतिम रूप दिया गया। प्रभु ने विजय के साथ फिल्म की पटकथा और संवाद लिखे। अतिरिक्त पटकथा के चंद्रू और एजाल आरसू गुणशेखरन ने लिखी और 2 अक्टूबर 2023 को चेन्नई की प्रसाद लैब्स में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई थी। उसी महीने सिद्धार्थ नोनी को छायाकार के रूप में घोषित किया गया। वेंदु थानिंदु काडू 2022 और कैप्टन मिलर 2024 के बाद उनकी तीसरी तमिल फिल्म में विजय और प्रभु के साथ उनकी पहली फिल्म थी। वान शंकर राजा को संगीत देने के लिए पुष्टि की गई थी। निर्देशक के साथ उनकी लगातार तीसरी फिल्म में उन्होंने कुल 10 फिल्मों की थी। और तकनीकी दल में छायाकार सिद्धार्थ नोनी, संपादक वेंकट राजन, प्रोडक्शन डिजाइनर राजीवन नानिवियार, स्टंट कोरियोग्राफर दिलीप सुबरायन, कला निर्देशक शेखर और सूर्या राजीवन, कॉस्ट्यूम डिजाइनर वास्की भास्कर और पल्लवी सिंह शामिल है। एस एम वेंकट मणिकम को कार्यकारी निर्माता नियुक्त किया गया था। विजय ने एक बुजुर्ग और एक युवा चरित्र के रूप में दोहरी भूमिका निभाई है। युवा भूमिका के लिए उन्हें अपनी ट्रेडमार्क मूछें मुड़वानी पड़ी। युवा संस्करण को चित्रित करने के लिए डी एजिंग तकनीकी का उपयोग किया गया था। और शुरुआत में भूमिकाओं के लिए प्रभु की पसंद में बड़े किरदार के लिए रजनीकांत और छोटे के लिए धनुष शामिल थे। शुरुआत में ज्योतिका को मुख्य महिला भूमिका को पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया गया क्योंकि भूमिका का इसे कोई लेना देना नहीं था। और बाद में मीनाक्षी चौधरी और स्नेहा को मुख्य महिला भूमिका के लिए लिया गया, जिसमें चौधरी ने युवा विजय के साथ जोड़ी बनाई अभिनेता के साथ अपने पहले सहयोग में, जबकि स्नेहा वसीगरा 2003 में उनके साथ काम करने के बाद विजय के साथ फिर से जुड़ गई। प्रभु देवा का एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों में शामिल हुए। दो फिल्मों का निर्देशन करने के बाद विजय के साथ उनका पहला अभिनय साथ था और सहयोग था, जबकि प्रशांत एक महत्वपूर्ण भूमिका में आगे लिया गया, जो पहली बार बाद में उनके साथ सहयोग कर रहे थे। लैला वैभव मोहन जयराम और अजमल आमिर, योगी बाबू, वीटीवी गणेश प्रभु के लगातार सहयोगी, प्रेमगी अमरेन, अरविंद आकाश और अजय राज प्रमुख भूमिकाओं निभाने की घोषणा की गई थी।
बाबू और गणेश ने प्रभु के साथ अपना पहला सहयोग किया। मुहूर्त पूजा में उनकी उपस्थिति के दौरान उनके शामिल होने की पुष्टि की गई थी और माधवन और अरविंद स्वामी मोहन की भूमिका के लिए मूल पसंद थे और स्नेहा के लिए ज्योतिका का सिमरन या नयनतारा पार्वती नायर। खुलासा किया गया कि वह जनवरी 2024 में कलाकारों का हिस्सा थी। युगेंद्रन फिल्म का प्रारंभिक शूटिंग में मौजूद थे जिससे उनकी उपस्थिति की पुष्टि हुई। वह त्रिपाठी 2005 के बाद विजय के साथ अभिनय करेंगे। दिवंगत विजयकांत की पत्नी प्रेमलता ने पुष्टि की कि बाद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता में के उपयोग में के साथ फिल्म के लिए एक दृश्य में उन्हें दिखाया जाएगा। वाईजी महेंद्रन ने कहा कि वह फिल्म बीट के साथ एक साक्षात्कार के दौरान एक कैमियो भूमिका भी निभाएंगे। अयाज खान ने जीवन और एक किशोर के रूप में चित्रित किया जिसमें उसका चेहरा विजय से मिलता जुलता डिजिटल रूप से रूपांतरित किया गया था और यह मुख्य फोटोग्राफी 3 अक्टूबर 2023 को चेन्नई के प्रसाद लैब से पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी। इन्होंने इस फिल्म में कई प्रकार की भूमिका भी निभाई थी और राज सुंदरम द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था और विजय प्रसन्न देवा और अजमल पर फिल्माया गया। एक गाना सिक्वेंस सबसे पहले फिल्माया गया था। कथित तौर पर निर्माताओं ने इस सीक्वेंस के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया जो 9 अक्टूबर तक समाप्त हुआ गया था और दूसरा शेड्यूल 30 अक्टूबर को थाईलैंड में शुरू हुआ जिसमें विजय 3 नवंबर को उनके साथ शामिल हुए। टीम ने इसे शेड्यूल के ज़्यादातर बैंकॉक में शूटिंग की। फिल्मांकन 10 दिनों के भीतर विजय ने शेड्यूल के लिए अपने हिस्सों की फिल्मांकन पूरा कर लिया और चेन्नई लौट आए। निर्माता थाईलैंड में ही रहे और अभिनेता को शामिल नहीं करने वाले हिस्सों फिल्माए। प्रभु ने कथित तौर पर 27 दिसंबर को शेड्यूल समाप्त होने से पहले महत्वपूर्ण दृश्यों की फिल्माने के लिए एक प्रमुख कलाकारों की एकजुट किया था और नए साल के अंतराल के बाद 7 जनवरी 2024 को श्रीलंका में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। 2 फरवरी को विजय ने एक और फिल्म पूरी करने की राजनीतिक प्रवेश करने के बाद फिल्मों में संन्यास की घोषणा की और जिसमें यह उनकी अंतिम फिल्म बन गई। सिद्धार्थ नूनी ने एक महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग करने के लिए 3 कैमरों का इस्तेमाल किया था। ऐसा कुछ उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। फरवरी की शुरुआत में उन्होंने कहा कि फिल्मांकन का आधा हिस्सा पूरा हो गया था और 5 फरवरी को पांडिचेरी में एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू हुआ और इस शेड्यूल के दौरान विजय प्रशांत और देवा का एक फुटेज लीक हो गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। इसके चलते फिल्म के अधिकारी प्रौद्योगिकी सुरक्षा साझेदारी ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को लीक हुई सामग्री को सजा करने से चेतावनी दी और कहा कि लीक को हटा दिया जाएगा। मार्च की शुरुआत में यह बताया गया कि श्रीलीला को शामिल करने वाला एक आइटम नंबर तय किया गया था हालांकि उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बाद में त्रिशा कृष्णा ने उनकी जगह ले ली और मटा गीत का उनका हिस्सा चेन्नई में शूट किया गया। निर्माताओं ने शुरू में मोरक्को निम्नलिखित कार्यक्रम में शूटिंग करने का फैसला किया था हालांकि फिल्मांकन में स्थान को केरल के अंतिम रूप दिया गया था और वहाँ का कार्यक्रम 16 मार्च को शुरू होने वाला था लेकिन 2 दिन बाद शुरू हुआ और कावलन 2011 के बाद विजय इस फिल्म के साथ फिल्मांकन के लिए केरल लौटेंगे। इसलिए उनके प्रशासन हवाई अड्डे के सामने इकट्ठा हुआ जहां अभिनेता उतरेंगे। सुबह 11 बजे शाम 5 बजे तक भीड़ जमा रहेगी। शेड्यूल की शूटिंग तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम के में शुरू हुआ। 21 मार्च को फिल्मांकन के दौरान आधी रात को स्टेडियम के बाहर अपने प्रशासकों को मौजूदगी के कारण विजय ने शूटिंग रोक दी उनसे मिले और उनका अभिवादन किया और अगले दिन अभिनेता प्रशंसकों के साथ वहां के एक बाहरी सभा की व्यवस्था की गई। अपने सामान्य ट्रेडमार्क के रूप में उन्होंने एक वीडियो लिया और इसे अपने सोशल मीडिया पेजों पर पोस्ट किया गया। निर्धारित भागों के लिए फिल्मांकन 23 मार्च को तक पूरा हो गया था। 7 अप्रैल को निर्माताओं ने अगले कार्यक्रम के लिए रूस के मास्को के लिए उड़ान भरी और कार्यक्रम की शुरुआती में फिल्माए गए दृश्यों को एक स्कूल परिसर में फिल्माया गया था। कार्यक्रम के एक पीछा करने का दृश्य फिल्माया गया था। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना वोट डालने के लिए विजय ने 18 अप्रैल को चेन्नई लौट आए। वापस उड़ान भरने से पहले अभिनेता को फिल्मांकन के दौरान चोट लग गई और मई के मध्य में निर्माताओं ने कथित तौर पर फिल्मांकन फिर से शुरू किया करने की संयुक्त राज्य अमरीका जाते हुए
हुए देखा गया था। मई के अंत में पुंडेचेरी और उसका आसपास बीच रोड को और ओल्ड फोर्ट सहित कई प्रकार की और इन्होंने मार्च 2024 में वेंकट प्रभु ने पुष्टि की कि चेन्नई लॉस एंजल्स में फिल्मांकन के साथ साथ उन्होंने VFX और CGI कार्य शुरू हो गए थे। उन्होंने आगे कहा कि प्रभाव कार्य 5 कंपनियों द्वारा किया जाएगा और विजय ने मई के मध्य में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की और 14 मई 50% पूरा कर लिया और हरियर सुथान VFX के तहत फिल्म के विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर के साथ ही BH2 स्टूडियोज भी एक इसी इन्होंने डिजिटल इंटरमीडिएट के सम्मेलन टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि विजय के युवा चरित्र को दिखाने वाले 10 मिनट के लिए सिक्वेंस के लिए उन्नत डीएजिंग तकनीकी पर 6 करोड़ का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआत में फिल्म को जून में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी जो विजय के 50वें जन्मदिन के साथ मेल खाता था और घटना के व्यापक पोस्ट प्रोडक्शन और VFX के कार्यों के कारण इसमें देरी हो गई थी और साउंड ट्रैक वन शंकर राजा द्वारा रचित और जो फुदिया गीताई 2003 के बाद विजय के साथ उनका दूसरा और प्रभु के साथ 10वां सहयोग एक ऑडियो लॉन्च आयोजित करने का इरादा था लेकिन बाद में इसे अज्ञात कारणों से रद्द कर दिया गया था और उन्होंने वीक्वेल पोडो चिन्ना चिन्ना कंगाल स्पार्क और मट्टा वाले एल्बम को फिल्म के रिलीज से 2 दिन पहले 3 सितंबर 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म का फर्स्ट पोस्टर लुक उन्होंने 31 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था जिसमें फिल्म का शीर्षक का खुलासा किया गया था। टीजर ट्रेलर 22 जून को रिलीज किया गया था और विजय के 50वें जन्मदिन के अवसर पर था। फिल्म का आधिकारिक माल 25 अगस्त 2024 को फिल्मी डाइस मिसाकर कलर पार्ट्स और नम्मा ट्राइबर द्वारा लॉन्च किया गया था और 29 जुलाई 2024 को फिल्म की क्रिटिक्स प्रोड्यूस अर्चना कल्पना ने घोषणा की थी कि फिल्म के अपडेट अगले महीने से जारी किए जाएंगे और तीसरे सिंगल के आधिकारिक घोषणा पोस्टर जो 1 और 2 अगस्त को जारी किए गए दोनों को प्रशंसकों और आमतौर पर दर्शकों नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जिसमें से ज़्यादातर की आलोचना विजय के DH लुक के लिए की गई थी और इन्होंने इस प्रमोशनल फिल्म के अंतिम ट्रेलर अगस्त 2024 में रिलीज किया गया था और ट्रेलर की विजय के DH लुक को सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था और जिसे पिछले समाचार सामग्री में उनके DH लुक से बेहतर माना गया। वेंकट प्रभु ने पुष्टि की कि यह पिछले आलोचनात्मक से जवाब में था। इन्होंने हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिल्म के बारे में। यह फिल्म 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसे जिसका निर्देशक वेंकट प्रभु ने किया और इसका निर्माण AGS एंटरटेनमेंट ने किया। फिल्म ने विजय 4 भूमिकाओं में जिसका साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमल अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमिगी अमरेन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन यह स्टूडियो को 25वां प्रोडक्शन है और जो और राजनीतिक प्रवेश से पहले विजय की यह अंतिम फिल्म है। फिल्म आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं के समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों में उपजी थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की 68वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 तक अंत तक पूरी हो गई। फिल्मांकन स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पुंडेचेरी तिरुवनंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। फिल्म का संगीत वन शंकर राजा ने तैयार किया है, छायांकन सिद्धार्थ नूनी ने किया है और संपादन वेंकट राजन ने किया है। 380 से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी AGS की सबसे महंगी फिल्म है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को 5 सितंबर 2024 को मानक और IMAX प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक्शन दृश्य और चरमोत्कर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास और लेखक की कमी की आलोचना की गई थी और इन्होंने इस फिल्म में 2008 में केन्या में MS गांधी और उनके साथियों सुनील त्यागराजन कल्याण सुंदरम और अजय गोविंद से मिलकर बना विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ता के साथ आतंकवादी उमर को पकड़कर उससे यूरेनियम निकालता है। उनके पूर्व प्रमुख राजीव मेनन जो देशद्रोह के आरोप के बाद फरार है भी उसी ट्रेन में वे मेनन में यूरेनियम वापस लेते हैं और जिस ट्रेन में वह सवार थे उसे नष्ट कर देते हैं। यह मानते हुए कि मेनन सहित ट्रेन में सवार सभी लोग मर चुके हैं, दिल्ली में वापस टीम एक ट्रेवल एजेंसी के कर्मचारियों के रूप में गुप्त रूप से रहती है, अपने परिवारों से अपनी असली नौकरी छिपाती है। गांधी अपनी पत्नी अनुराधा अनु के साथ रहते हैं जो गर्भवती है और उनका 5 वर्षीय बेटा जीवन है।
गांधी का जब बैंकॉक में एक नया मिशन सौंपा जाता है तो वह अनु के व्यवसाय के संदेह के दूर करने के लिए अपने परिवार को साथ ले जाता है। मिशन पूरा करने के बाद गांधी और उसके परिवार पर हमला होता है, जिसके कारण अनु का प्रसव पीड़ा होती है और जीवन पर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ शव मिलता है जिसे वे जीवन की मानते हुए, जिससे गांधी तबाह हो जाती है और अनु एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन दुख के कारण गांधी से बात करना बंद कर देती है। 2024 तक गांधी ने दस्ते को छोड़ दिया और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आवर्जन अधिकारी के रूप में काम किया हुआ और अनु अलग अलग रहते हैं और उनकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है। कल्याण के सुझाव पर गांधी के पूर्व बॉस नजीर ने उन्हें फिर से खोले गए भारतीय दूतावास में नए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए मॉस्को जाने के लिए कहा। अनिच्छुक होने के बावजूद गांधी सहमत हो जाते हैं, लेकिन उनके रहने के दौरान दूतावास पर एक गिरोह का द्वारा हमला किया जाता है। गांधी उनसे लड़ता और हमलावरों में से एक हुआ डेप्लोगेंगर को देखकर चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि यह जीवन और जब वह हमलावरों के बचाव में उसकी मदद करता है तो वह उसकी पुष्टि करता है। वे चेन्नई लौटते हैं अब और परिवार से मिलता है और अनु से फिर से शादी से बात करना शुरू करती है। नजीर ने गांधी को चेन्नई मेट्रो स्टेशन पर एक जरूरी बैठक के लिए बुलाया। गांधी हमलावरों से लड़ने के लिए समय पर पहुंच जाते हैं, लेकिन नजीर को नकाबपोश व्यक्ति द्वारा मार दिया जाता है जो बाद में जीवन के रूप में सामने आता है। और गांधी SATS के दस्ते में वापस आता है और टीम लगाता है कौन उनकी एजेंसी को खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। नजीर के फोन में आजीवन और मास्को से उसके गिरोह के बारे में सारी जानकारी जीवन के साथी सर ने मेट्रो स्टेशन पर नजीर से फोन ले लिया। जब नजीर ने उसे गिरा दिया तो लेकिन सर जीवन को बताता है कि फोन गुम हो गया। यह पता चलता है कि जीवन पर पूरे समय मेनन के लिए काम कर रहा था और वह किसी कारण से गांधी के परिवार के पास आया था। यह भी पता चला कि मेनन 2008 में ट्रेन विस्फोट के में बच गया था, लेकिन इस घटना में उसका पूरा परिवार मर गया। बदला लेने के लिए उसने बैंकॉक में गांधी का पता लगाया, जीवन का अपहरण किया और उसे किशोर सुधार गृह में रखा गया, जिससे उससे डर पैदा हो गया कि फिर उसने सुविधा के सदस्यों को मारकर जीवन को बचाया, उसका विश्वास जीता और उसका नाम बदलकर संजय रख दिया। मेनन द्वारा बहकाए गए जीवन को यह विश्वास हो गया कि गांधी उसके परिवार की मौतों के लिए जिम्मेदार है। इस नफरत से प्रेरित होकर जीवन ने अपना जीवन मेनन को गांधी से बदला लेने के लिए समर्पित कर दिया गया। डायमंड बाबू नामक चोर नाजीर और फोन चुरा लेते हैं जिसमें महत्वपूर्ण सबूत है। गांधी उसे वापस खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन बीच में आ जाता है और जिससे एक घातक टकराव होता है जिसमें अजय की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और अब्दुल और मेनन की गिरफ्तारी के बाद जीवन श्रीनिधि को अपहरण कर लेता और अपनी रिहाई के लिए सुनील को ब्लैकमेल करता है। कल्याण मेनन की साथी के रूप में उजागर होकर गांधी को उन्हें मुक्त करने के लिए मना लेता है। जीवन श्रीनिधि का गला काट देता है और कल्याण उसे मुख्य गवाह बनने से रोकने के लिए उसका दम घोट देता है। शाह को पता लगाने के दौरान गांधी सहयोग से जीवन को ढूंढ लेता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। पूछताछ के दौरान वह सुनील की बंदूक जब्त कर लेता है और उसे मार डालता है और गांधी को उसे बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है, जिससे जीवन भागने में सफल हो जाता है। हालांकि सुनील के जीवित होने का खुलासा होता है और वह कल्याण को मार देता है। इस बीच मेनन अनु का अपहरण करता लेता है और बमबारी की योजना का खुलासा करता है। इस बात से अनजान किया गांधी की चाल है, गांधी मेनन को पकड़ लेता है और उसे जीवन से बातचीत करने के लिए एमए चिदंबरम स्टेडियम ले जाता और जिसमें बमबारी रुक जाती है। जीवन की योजना स्टेडियम में कई बम विस्फोट करने की और गांधी को देशद्रोह के आरोप में फंसाने की वह जीवन के गुंडों को वश करने करता और उसका सामना करता और अंततः स्टेडियम के ऊपर उसे मार डालता है। मिड क्रेडिट सीन में यह पता चलता है कि जीवन वास्तव में एक क्लोन था। असली जीवन उसे अब संजय के नाम से जाना जाता है। मानव क्लोनिंग में विशेषज्ञता प्राप्त एक वैज्ञानिक और उसने अपनी गंदी योजनाओं को जारी रखने के लिए क्लोन तैयार किया है और उन्होंने इस
नवंबर 2021 के अंत में विजय उज्जनो ने निर्देशक एटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था, जो मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी 68वीं फिल्म फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी। थेरी 2016, मार्शल 2017 और मिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान 2023 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। और इसी बीच विजय दो परियोजनाओं वारिसु और लियो दोनों 2023 पर काम करेंगे और इसे 24 दिसंबर को वन शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की तस्वीर पोस्ट की, जिसे फोधिया गीतई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्मिलन के संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था। विजय और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टों पूरे 2022 तक जारी रही। उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मांकन जून 2023 में शुरू होने वाला था, क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी, क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून 2023 थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि अगले मई में एटली को इस परियोजनाओं को निर्देशन नहीं करने की पुष्टि हुई, और क्योंकि उन्होंने एक अन्य फिल्म हिंदी फिल्म साइनअप की जो बे और नवंबर 2021 में के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक एटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था, जो मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी 68वीं फिल्म है फिर से या उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी। और थेरी 2016, मार्शल 2017 और मिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान 2023 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। और इस बीच विजय दो परियोजनाओं वारिसु और लियो दोनों 2023 पर काम करेंगे और 24 दिसंबर को वन शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की तस्वीर पोस्ट की, जिससे फोधिया गीतई 2003 के बाद निकट भविष्य के पुनर्मिलन के संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था। विजय और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टों पर 2022 तक जारी रही। उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मांकन जून 2023 में शुरू होने वाला था, क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी, क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून 2023 थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अगले मई में इटली और इस परियोजनाओं का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि हुई, क्योंकि उन्होंने एक अन्य फिल्म हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन में 2024 बन गई थी। विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी, जिनमें से निर्देशक वेंकट प्रभु और गोपीचंद मालिनी ने की पटकथाएं भी शामिल थी। और इसे 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी 68वीं फिल्म प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी, जिसे अस्थायी रूप से थलापति 68 के शीर्षक दिया गया। एजीएस एंटरटेनमेंट ने फिल्म का निर्माण करेगी, जबकि अर्चना कल्पना ने इस कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना ने रचनात्मक रूप से इसकी पुष्टि की गई थी, और जबकि और प्रोडक्शन हाउस और सबसे महंगा और 25वां फिल्म निर्माण है। यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनी थी। अगले अगस्त टीम विजय के पत्रों में एक प्रारूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजिल्स के लिए रवाना हुई। इस तकनीकी का इस्तेमाल पहले फैन 2016 और इंडियन 2024 के लिए किया गया था। फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 31 दिसंबर 2023 को घोषित किया गया था। फिल्म की साइंस फिक्शन फिल्म बताया गया था। फिल्म के रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया। घोषणा से 10 महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था, जिसे बाद में विकसित करने का अनुरोध किया गया था। और मई 2023 की शुरुआत में विकसित पूरा करने के बाद प्रभु ने उस महीने के अंत में फिर से विजय से मुलाकात की और पटकथा सुनाई। इसके बाद विजय ने स्क्रिप्ट की मंजूरी दी और उसे अंतिम रूप दिया गया। प्रभु ने विजय के साथ फिल्म की पटकथा और संवाद लिखे। अतिरिक्त पटकथा के चंद्रू और अजाल आरसु गुणशेखरन ने लिखी और 2 अक्टूबर 2023 को चेन्नई की प्रसाद लैब्स में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई थी। उसी महीने सिद्धार्थ नोनी को छायाकार के रूप में घोषित किया गया। वेंदु थानेन्दु काडू 2022 और कैप्टन मिलर 2024 के बाद उनकी तीसरी तमिल फिल्म में विजय और प्रभु के साथ उनकी पहली फिल्म थी। वन शंकर राजा को संगीत देने के लिए पुष्टि की गई थी। निर्देशक के साथ उनकी लगातार तीसरी फिल्म में उन्होंने कुल 10 फिल्मों की थी और तकनीकी दल में छायाकार सिद्धार्थ नोनी, संपादक वेंकट राजन, प्रोडक्शन डिजाइनर राजीवन
नानिवियार, स्टंट कोरियोग्राफर दिलीप सुब्रायन, कला निर्देशक शेखर और सूर्या राजीवन, कॉस्ट्यूम डिजाइनर वासुकी भास्कर और पल्लवी सिंह शामिल है। एस एम वेंकट मणिकम को कार्यकारी निर्माता नियुक्त किया गया था। विजय ने एक बुजुर्ग और एक युवा चरित्र के रूप में दोहरी भूमिका निभाई है। युवा भूमिका के लिए उन्हें अपनी ट्रेडमार्क मूछें मुड़वानी पड़ी। युवा संस्करण को चित्रित करने के लिए डी एजिंग तकनीकी का उपयोग किया गया था और शुरुआत में भूमिकाओं के लिए प्रभु की पसंद में बड़े किरदार के लिए रजनीकांत और छोटे के लिए धनुष शामिल थे। शुरुआत में ज्योतिका को मुख्य महिला भूमिका को पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया गया क्योंकि भूमिका का इसे कोई लेना देना नहीं था। और बाद में मीनाक्षी चौधरी और स्नेहा को मुख्य महिला भूमिका के लिए लिया गया, जिसमें चौधरी ने युवा विजय के साथ जोड़ी बनाई अभिनेता के साथ अपने पहले सहयोग में, जबकि स्नेहा वासीगरा 2003 में उनके साथ काम करने के बाद विजय के साथ फिर से जुड़ गई। प्रभु देवा का एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों में शामिल हुए। दो फिल्मों का निर्देशन करने के बाद विजय के साथ उनका पहला अभिनय साथ था और सहयोग था, जबकि प्रशांत एक महत्वपूर्ण भूमिका में आगे लिया गया जो पहली बार बाद में उनके साथ सहयोग कर रहे थे। लैला वैभव मोहन जयराम और अजमल आमिर, योगी बाबू वीटीवी गणेश, प्रभु के लगातार सहयोगी प्रेमगी अमरेन, अरविंद आकाश और अजय राज प्रमुख भूमिकाओं निभाने की घोषणा की गई थी। बाबू और गणेश ने प्रभु के साथ अपना पहला सहयोग किया। मुहूर्त पूजा में उनकी उपस्थिति के दौरान उनके शामिल होने की पुष्टि की गई थी और माधवन और अरविंद स्वामी मोहन की भूमिका के लिए मूल पसंद थे और स्नेहा के लिए ज्योतिका का सिमरन या नयनतारा पार्वती नायर खुलासा किया गया कि वह जनवरी 2024 में कलाकारों का हिस्सा थी। युगेंद्रन फिल्म का प्रारंभिक शूटिंग में मौजूद थे, जिससे उनकी उपस्थिति की पुष्टि हुई। वह त्रिपाठी 2005 के बाद विजय के साथ अभिनय करेंगे। दिवंगत विजयकांत की पत्नी प्रेमलता ने पुष्टि की कि बाद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता में के उपयोग में के साथ फिल्म के लिए एक दृश्य में उन्हें दिखाया जाएगा। वाईजी महेंद्रन ने कहा कि वह फिल्म बीट के साथ एक साक्षात्कार के दौरान एक कैमियो भूमिका भी निभाएंगे। अयाज खान ने जीवन और एक किशोर के रूप में चित्रित किया, जिसमें उसका चेहरा विजय से मिलता जुलता डिजिटल रूप से रूपांतरित किया गया था और यह मुख्य फोटोग्राफी 3 अक्टूबर 2023 को चेन्नई के प्रसाद लैब्स पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी। इन्होंने इस फिल्म में कई प्रकार की भूमिका भी निभाई थी और राज सुंदरम द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था और विजय प्रशांत देवा और अजमल पर फिल्माया गया एक गाना सिक्वेंस सबसे पहले फिल्माया गया था। कथित तौर पर निर्माताओं ने इस सीक्वेंस के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया जो 9 अक्टूबर तक समाप्त हुआ गया था और दूसरा शेड्यूल 30 अक्टूबर को थाईलैंड में शुरू हुआ, जिसमें विजय 3 नवंबर को उनके साथ शामिल हुए। टीम ने इसे शेड्यूल के ज़्यादातर बैंकॉक में शूटिंग की। फिल्मांकन 10 दिनों के भीतर विजय ने शेड्यूल के लिए अपने हिस्सों की फिल्मांकन पूरा कर लिया और चेन्नई लौट आए। निर्माता थाईलैंड में ही रहे और अभिनेता को शामिल नहीं करने वाले हिस्सों फिल्माए। प्रभु ने कथित तौर पर 27 दिसंबर को शेड्यूल समाप्त होने से पहले महत्वपूर्ण दृश्यों की फिल्माने के लिए एक प्रमुख कलाकारों की एकजुट किया था और नए साल के अंतराल के बाद 7 जनवरी 2024 को श्रीलंका में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। 2 फरवरी को विजय ने एक और फिल्म पूरी करने की राजनीतिक प्रवेश करने के बाद फिल्मों में संन्यास की घोषणा की और जिसमें यह उनकी अंतिम फिल्म बन गई। सिद्धार्थ नूनी ने एक महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग करने के लिए 3 कैमरों का इस्तेमाल किया था, ऐसा कुछ उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। फरवरी की शुरुआत में उन्होंने कहा कि फिल्मांकन का आधा हिस्सा पूरा हो गया था और 5 फरवरी को पौंडिचेरी में एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू हुआ और इस शेड्यूल के दौरान विजय प्रशांत और देवा का एक फुटेज लीक हो गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। इसके चलते फिल्म के अधिकारी प्रौद्योगिकी की सुरक्षा साझेदारी ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को लिखी हुई सामग्री को सजा करने से चेतावनी दी और कहा कि लीक को हटा दिया जाएगा। मार्च की शुरुआत में यह बताया गया कि श्रीलीला को शामिल करने वाला एक आइटम नंबर तय किया गया था, हालांकि उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बाद में त्रिशा कृष्णा ने उनकी जगह ले ली और मटा गीत का उनका हिस्सा चेन्नई में शूट किया गया। निर्माताओं ने शुरू में मोरक्को निम्नलिखित कार्यक्रम में शूटिंग करने का फैसला किया था, हालांकि फिल्मांकन में स्थान को केरल के अंतिम रूप दिया गया था और वहाँ का
और वहाँ का कार्यक्रम 16 मार्च को शुरू होने वाला था, लेकिन 2 दिन बाद शुरू हुआ और कावलन 2011 के बाद विजय इस फिल्म के साथ फिल्मांकन के लिए केरल लौटेंगे, इसलिए उनके प्रशासन हवाई अड्डे के सामने इकट्ठा हुआ जहाँ अभिनेता उतरेंगे। सुबह 11 बजे शाम 5 बजे तक भीड़ जमा रहेगी। शेड्यूल की शूटिंग तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम के में शुरू हुआ। 21 मार्च को फिल्मांकन के दौरान आधी रात को स्टेडियम के बाहर अपने प्रशासकों को मौजूदगी के कारण विजय ने शूटिंग रोक दी, जिन उनसे मिले और उनका अभिवादन किया, और अगले दिन अभिनेता प्रशंसकों के साथ वहां के एक बाहरी सभा की व्यवस्था की गई। अपने सामान्य ट्रेडमार्क के रूप में उन्होंने एक वीडियो लिया और इसे अपने सोशल मीडिया पेजों पर पोस्ट किया गया। निर्धारित भागों के लिए फिल्मांकन 23 मार्च को तक पूरा हो गया था। 7 अप्रैल को निर्माताओं ने अगले कार्यक्रम के लिए रूस के मास्को के लिए उड़ान भरी और कार्यक्रम की शुरुआती में फिल्माए गए दृश्यों को एक स्कूल परिसर में फिल्माया गया था। कार्यक्रम के एक पीछा करने का दृश्य फिल्माया गया था। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना वोट डालने के लिए विजय ने 18 अप्रैल को चेन्नई लौटाए। वापस उड़ान भरने से पहले अभिनेता को फिल्मांकन के दौरान चोट लग गई और मई के मध्य में निर्माताओं ने कथित तौर पर फिल्मांकन फिर से शुरू किया करने की संयुक्त राज्य अमरीका जाती हुए देखा गया था। मई के अंत में पुंडेचेरी और उसका आसपास बीच रोड को और ओल्ड फोर्ट सहित कई प्रकार की और इन्होंने मार्च 2024 में वेंकट प्रभु ने पुष्टि की कि चेन्नई लॉस एंजल्स में फिल्मांकन के साथ साथ उन्होंने VFX और CGI कार्य शुरू हो गए थे। उन्होंने आगे कहा कि प्रभाव कार्य 5 कंपनियों द्वारा किया जाएगा और विजय ने मई के मध्य में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की और 14 मई 50% पूरा कर लिया और हरियर सुथान VFX के तहत फिल्म के विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर के साथ ही BH2 स्टूडियोज भी एक इसी नैनो डिजिटल इंटरमीडिएट के समालोचन टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि विजय के युवा चरित्र को दिखाने वाले 10 मिनट के लिए सिक्वेंस के लिए उन्नत डीएजिंग तकनीकी पर 6 करोड़ का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआत में फिल्म को जून में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी जो विजय के 50वें जन्मदिन के साथ मेल खाता था और घटना के व्यापक पोस्ट प्रोडक्शन और VFX के कार्यों के कारण इसमें देरी हो गई थी और साउंड ट्रैक वन शंकर राजा द्वारा रचित और जो फुदिया गीताई 2003 के बाद विजय के साथ उनका दूसरा और प्रभु के साथ 10वां सहयोग एक ऑडियो लॉन्च आयोजित करने का इरादा था, लेकिन बाद में इसे अज्ञात कारणों से रद्द कर दिया गया था और उन्होंने वीक्वेल पोडो चिन्ना चिन्ना कंगाल स्पार्क और मट्टा वाले एल्बम को फिल्म के रिलीज से 2 दिन पहले 3 सितंबर 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म का फर्स्ट पोस्टर लुक उन्होंने 31 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था जिसमें फिल्म का शीर्षक का खुलासा किया गया था। टीजर ट्रेलर 22 जून को रिलीज किया गया था और विजय के 50वें जन्मदिन के अवसर पर था। फिल्म का आधिकारिक माल 25 अगस्त 2024 को फिल्मी डाइस मिसाकर कलर पार्ट्स और नम्मा ट्राइबर द्वारा लॉन्च किया गया था और 29 जुलाई 2024 को फिल्म की क्रिटिक्स प्रोड्यूसर अर्चना कल्पना ने घोषणा की थी कि फिल्म के अपडेट अगले महीने से जारी किए जाएंगे और तीसरे सिंगल के आधिकारिक घोषणा पोस्टर जो 1 और 2 अगस्त को जारी किए गए दोनों को प्रशंसकों और आमतौर पर दर्शकों नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जिसमें से ज़्यादातर की आलोचना विजय के DH लुक के लिए की गई थी और इन्होंने इस प्रमोशनल फिल्म के अंतिम ट्रेलर 2024 में रिलीज किया गया था और ट्रेलर की विजय के DH लुक को सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था और जिसे पिछले समाचार सामग्री में उनके DH लुक से बेहतर माना गया। वेंकट प्रभु ने पुष्टि की कि यह पिछले आलोचनात्मक से जवाब में था। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिल्म के बारे में। यह फिल्म 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसे जिसका निर्देशक वेंकट प्रभु ने किया और इसका निर्माण AGS एंटरटेनमेंट ने किया। फिल्म ने विजय 4 भूमिकाओं में जिसका साथ प्रशांत, प्रभुदेवा, मोहन, जयराम, अजमल, अमीर, वैभव, योगी, बाबू, प्रेमिगी, अमरेन, स्नेहा, लैला, मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन। यह स्टूडियो को 25वां प्रोडक्शन है और जो और राजनीतिक प्रवेश से पहले विजय की यह अंतिम फिल्म है। फिल्म आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं के समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों में उपजी थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की 68वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी 2023 में शुरू हुई और 2024 तक अंत तक पूरी हो गई। फिल्मांकन स्थानों में चेन्नई, थाईलैंड, हैदराबाद, श्रीलंका, पुंडेचेरी, तिरुवनंतपुरम, रूस और संयुक्त राज्य अमरीका शामिल थे।
फिल्म का संगीत वन शंकर राजा ने तैयार किया है, छायांकन सिद्धार्थ नोनी ने किया है और संपादन वेंकट राजन ने किया है। 380 से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को 5 सितंबर 2024 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया, जिन्होंने विजय के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और चरमोत्कर्ष की प्रशंसा की, जबकि चरित्र विकास और लेखक की कमी की आलोचना की गई थी। और इन्होंने इस फिल्म में 2008 में केन्या में MS गांधी और उनके साथियों सुनील त्यागराजन, कल्याण सुंदरम और अजय गोविंद से मिलकर बना विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ता के साथ आतंकवादी उमर को पकड़कर उससे यूरेनियम निकालता है। उनके पूर्व प्रमुख राजीव मेनन, जो देशद्रोह के आरोप के बाद फरार है, भी उसी ट्रेन में वे मेनन में यूरेनियम वापस लेते हैं और जिस ट्रेन में वह सवार थे उसे नष्ट कर देते हैं। यह मानते हुए कि मेनन सहित ट्रेन में सवार सभी लोग मर चुके हैं, दिल्ली में वापस टीम एक ट्रेवल एजेंसी के कर्मचारियों के रूप में गुप्त रूप से रहती है, अपने परिवारों से अपनी असली नौकरी छिपाती है। गांधी अपनी पत्नी अनुराधा अनु के साथ रहते हैं, जो गर्भवती है और उनका 5 वर्षीय बेटा जीवन है। गांधी का जब बैंकॉक में एक नया मिशन सौंपा जाता है तो वह अनु के व्यवसाय के संदेह को दूर करने के लिए अपने परिवार को साथ ले जाता है। मिशन पूरा करने के बाद गांधी और उसके परिवार पर हमला होता है, जिसके कारण अनु का प्रसव पीड़ा होती है और जीवन पर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ शव मिलता है, जिसे वे जीवन की मानते हुए जिससे गांधी तबाह हो जाती है और अनु एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन दुख के कारण गांधी से बात करना बंद कर देती है। 2024 तक गांधी ने दस्ते को छोड़ दिया और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आवर्जन अधिकारी के रूप में काम किया हुआ और अनु अलग अलग रहते हैं और उनकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है। कल्याण के सुझाव पर गांधी के पूर्व बॉस नजीर ने उन्हें फिर से खोले गए भारतीय दूतावास में नए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए मास्को जाने के लिए कहा। अनिच्छुक होने के बावजूद गांधी सहमत हो जाते हैं, लेकिन उनके रहने के दौरान दूतावास पर एक गिरोह का द्वारा हमला किया जाता है। गांधी उनसे लड़ता और हमलावरों में से एक हुआ डेप्लोगेंगर को देखकर चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि यह जीवन और जब वह हमलावरों के बचाव में उसकी मदद करता है तो वह इसकी पुष्टि करता है। वे चेन्नई लौटते हैं अब और परिवार से मिलता है और अनु से फिर से शादी से बात करना शुरू करती है। नजीर ने गांधी को चेन्नई मेट्रो स्टेशन पर एक जरूरी बैठक के लिए बुलाया। गांधी हमलावरों से लड़ने के लिए समय पर पहुंच जाते हैं, लेकिन नजीर को नकाबपोश व्यक्ति द्वारा मार दिया जाता है, जो बाद में जीवन के रूप में सामने आता है। और गांधी SATS के दस्ते में वापस आता है और टीम लगाता है। कौन उनकी एजेंसी को खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहा है? नजीर के फोन में आजीवन और मास्को से उसके गिरोह के बारे में सारी जानकारी जीवन के साथी शाह ने मेट्रो स्टेशन पर नजीर से फोन ले लिया। जब नजीर ने उसे गिरा दिया तो लेकिन शाह जीवन को बताता है कि फोन गुम हो गया। यह पता चलता है कि जीवन पर पूरे समय मेनन के लिए काम कर रहा था और वह किसी कारण से गांधी के परिवार के पास आया था। यह भी पता चला कि मेनन 2008 में ट्रेन विस्फोट के में बच गया था, लेकिन इस घटना में उसका पूरा परिवार मर गया। बदला लेने के लिए उसने बैंकॉक में गांधी का पता लगाया, जीवन का अपहरण किया और उसे किशोर सुधार गृह में रखा गया, जिससे उससे डर पैदा हो गया कि फिर उसने सुविधा के सदस्यों को मारकर जीवन को बचाया, उसका विश्वास जीता और उसका नाम बदलकर संजय रख दिया। मेनन द्वारा बहकाए गए जीवन को यह विश्वास हो गया कि गांधी उसके परिवार की मौतों के लिए जिम्मेदार है। इस नफरत से प्रेरित होकर जीवन ने अपना जीवन मेनन को गांधी से बदला लेने के लिए समर्पित कर दिया गया। डायमंड बाबू नामक चोर नाजीर और फोन चुरा लेते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण सबूत है। गांधी उसे वापस खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन बीच में आ जाता है और जिससे एक घातक टकराव होता है, जिसमें अजय की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और अब्दुल और मेनन की गिरफ्तारी के बाद जीवन श्रीनिधि को अपहरण कर लेता और अपनी रिहाई के लिए सुनील को ब्लैकमेल करता है। कल्याण मेनन की साथी के रूप में उजागर होकर गांधी को उन्हें मुक्त करने के लिए मना लेता है। जीवन श्रीनिधि का गला काट देता है और कल्याण उसे मुख्य गवाह बनने से रोकने के लिए उसका दम घोट देता है। शाह को पता लगाने के दौरान गांधी सहयोग से जीवन को ढूंढ लेता है और उसे
गिरफ्तार कर लेता है। पूछताछ के दौरान वह सुनील की बंदूक जब्त कर लेता है और उसे मार डालता है और गांधी को उसे बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है, जिससे जीवन भागने में सफल हो जाता है। हालांकि सुनील के जीवित होने का खुलासा होता है और वह कल्याण को मार देता है। इस बीच मिलन अनु का अपहरण करता लेता है और बमबारी की योजना का खुलासा करता है। इस बात से अनजान की यह गांधी की चाल है, गांधी मेनन को पकड़ लेता है और उसे जीवन से बातचीत करने के लिए एमए चिदंबरम स्टेडियम ले जाता है, और जिसमें बमबारी रुक जाती है। जीवन की योजना स्टेडियम में कई बम विस्फोट करने की और गांधी को देशद्रोह के आरोप में फंसाने की वह जीवन के गुंडों को वश करने करता और उसका सामना करता और अंततः स्टेडियम के ऊपर उसे मार डालता है। मिड क्रेडिट सीन में यह पता चलता है कि जीवन वास्तव में एक क्लोन था। असली जीवन उसे अब संजय के नाम से जाना जाता है। मानव क्लोनिंग में विशेषज्ञता प्राप्त एक वैज्ञानिक और उसने अपनी गंदी योजनाओं को जारी रखने के लिए क्लोन तैयार किया है और उन्होंने इसे नवंबर 2021 के अंत में विजय योजना ने निर्देशक एटली के साथ 3 सफल फिल्मों में काम किया था, जो मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी 68वीं फिल्म फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी। थेरी 2016, मर्सल 2017 और मिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान 2023 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। और इसी बीच विजय दो परियोजनाओं वारिसू और लियो दोनों 2023 पर काम करेंगे और इसे 24 दिसंबर को उवान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की तस्वीर पोस्ट की, जिसे फुदिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पूर्ण मिलन के संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था। वीजा और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टों पूरे 2022 तक जारी रही। उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मांकन जून 2023 में शुरू होने वाला था, क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी, क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून 2023 थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि अगले मई में एटली को इस परियोजनाओं को निर्देशन नहीं करने की पुष्टि हुई और क्योंकि उन्होंने एक अन्य फिल्म हिंदी फिल्म साइनअप की जो बे और नवंबर 2021 में के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ 3 सफल फिल्मों में काम किया था, जो मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी 68वीं फिल्म है फिर से यह उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी। और थेरी 2016, मार्शल 2017 और मिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान 2023 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। और इस बीच विजय दो परियोजनाओं वारिसू और लियो दोनों 2023 पर काम करेंगे और 24 दिसंबर को विवान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की तस्वीर पोस्ट की, जिससे पुदिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य के पूर्ण मिलन के संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था। विजय और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टों पर 2022 तक जारी रही। उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मांकन जून 2023 में शुरू होने वाला था, क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी, क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून 2023 थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अगले मई में इटली और इस परियोजनाओं का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि हुई, क्योंकि उन्होंने एक अन्य फिल्म हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन में 2024 बन गई थी। विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी, जिनमें से निर्देशक वेंकट प्रभु और गोपीचंद मालिनी ने की पटकथाएं भी शामिल थी और इसे 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी 68वीं फिल्म प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी, जिसे अस्थायी रूप से थलापति 68 के शीर्षक दिया गया। एजीएस एंटरटेनमेंट ने फिल्म का निर्माण करेगी, जबकि अर्चना कल्पना ने इस कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना ने रचनात्मक रूप से इसकी पुष्टि की गई थी, और जबकि और प्रोडक्शन हाउस और सबसे महंगा और 25वां फिल्म निर्माण है। यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनी थी। अगले अगस्त टीम विजय के पत्रों में एक प्रारूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजिल्स के लिए रवाना हुई। इस तकनीकी का इस्तेमाल पहले फैन 2016 और इंडियन 2 2024 के लिए किया गया था। फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 31 दिसंबर 2023 को घोषित किया गया था। फिल्म की साइंस फिक्शन फिल्म बताया गया था। फिल्म के रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया। घोषणा से 10 महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन
लाइनर सुनाया था, जिसे बाद में विकसित करने का अनुरोध किया गया था और मई 2023 की शुरुआत में विकसित पूरा करने के बाद प्रभु ने उस महीने के अंत में फिर से विजय से मुलाकात की और पटकथा सुनाई। इसके बाद विजय ने स्क्रिप्ट की मंजूरी दी और उसे अंतिम रूप दिया गया। प्रभु ने विजय के साथ फिल्म की पटकथा और संवाद लिखे। अतिरिक्त पटकथा के चंद्रू और अजालारसु गुणशेखरन ने लिखी और 2 अक्टूबर 2023 को चेन्नई की प्रसाद लैब्स में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई थी। उसी महीने सिद्धार्थ नोनी को छायाकार के रूप में घोषित किया गया। वेंदु थानेंदु काडू 2022 और कैप्टन मिलर 2024 के बाद उनकी तीसरी तमिल फिल्म में विजय और प्रभु के साथ उनकी पहली फिल्म थी। भगवान शंकर राजा को संगीत देने के लिए पुष्टि की गई थी। निर्देशक के साथ उनकी लगातार तीसरी फिल्म में उन्होंने कुल 10 फिल्मों की थी और तकनीकी दल में छायाकार सिद्धार्थ नोनी, संपादक वेंकट राजन, प्रोडक्शन डिजाइनर राजीवन नानिवियार, स्टंट कोरियोग्राफर दिलीप सुबरायन, कला निर्देशक शेखर और सूर्या राजीवन, कॉस्ट्यूम डिजाइनर वास्की भास्कर और पल्लवी सिंह शामिल है। एस एम वेंकट मणिकम को कार्यकारी निर्माता नियुक्त किया गया था। विजय ने एक बुजुर्ग और एक युवा चरित्र के रूप में दोहरी भूमिका निभाई है। युवा भूमिका के लिए उन्हें अपनी ट्रेडमार्क मूछें मुड़वानी पड़ी। युवा संस्करण को चित्रित करने के लिए डी एजिंग तकनीकी का उपयोग किया गया था और शुरुआत में भूमिकाओं के लिए प्रभु की पसंद में बड़े किरदार के लिए रजनीकांत और छोटे के लिए धनुष शामिल थे। शुरुआत में ज्योतिका को मुख्य महिला भूमिका को पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया गया क्योंकि भूमिका का इसे कोई लेना देना नहीं था। और बाद में मीनाक्षी चौधरी और स्नेहा को मुख्य महिला भूमिका के लिए लिया गया, जिसमें चौधरी ने युवा विजय के साथ जोड़ी बनाई अभिनेता के साथ अपने पहले सहयोग में, जबकि स्नेहा वसीगरा 2003 में उनके साथ काम करने के बाद विजय के साथ फिर से जुड़ गई। प्रभु देवा का एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों में शामिल हुए। दो फिल्मों का निर्देशन करने के बाद विजय के साथ उनका पहला अभिनय साथ था और सहयोग था, जबकि प्रशांत एक महत्वपूर्ण भूमिका में आगे लिया गया जो पहली बार बाद में उनके साथ सहयोग कर रहे थे। लैला वैभव मोहन जयराम और अजमल आमिर, योगी बाबू, वीटीवी गणेश, प्रभु के लगातार सहयोगी प्रेमगी अमरेन, अरविंद, आकाश और अजय राज प्रमुख भूमिकाओं निभाने की घोषणा की गई थी। बाबू और गणेश ने प्रभु के साथ अपना पहला सहयोग किया। मुहूर्त पूजा में उनकी उपस्थिति के दौरान उनके शामिल होने की पुष्टि की गई थी और माधवन और अरविंद स्वामी मोहन की भूमिका के लिए मूल पसंद थे और स्नेहा के लिए ज्योतिका का सिमरन या नयनतारा पार्वती नायर खुलासा किया गया कि वह जनवरी 2024 में कलाकारों का हिस्सा थी। युगेंद्रन फिल्म का प्रारंभिक शूटिंग में मौजूद थे, जिससे उनकी उपस्थिति की पुष्टि हुई। वह त्रिपाठी 2005 के बाद विजय के साथ अभिनय करेंगे। दिवंगत विजयकांत की पत्नी प्रेमलता ने पुष्टि की कि बाद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता में के उपयोग में के साथ फिल्म के लिए एक दृश्य में उन्हें दिखाया जाएगा। वाईजी महेंद्रन ने कहा कि वह फिल्म बीट के साथ एक साक्षात्कार के दौरान एक कैमियो भूमिका भी निभाएंगे। अयाज खान ने जीवन और एक किशोर के रूप में चित्रित किया, जिसमें उसका चेहरा विजय से मिलता जुलता डिजिटल रूप से रूपांतरित किया गया था और यह मुख्य फोटोग्राफी 3 अक्टूबर 2023 को चेन्नई के प्रसाद लैब्स पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी। इन्होंने इस फिल्म में कई प्रकार की भूमिका भी निभाई थी और राज सुंदरम द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था और विजय प्रसाद देवा और अजमल पर फिल्माया गया। एक गाना सिक्वेंस सबसे पहले फिल्माया गया था। कथित तौर पर निर्माताओं ने इस सीक्वेंस के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया जो 9 अक्टूबर तक समाप्त हुआ गया था और दूसरा शेड्यूल 30 अक्टूबर को थाईलैंड में शुरू हुआ, जिसमें विजय 3 नवंबर को उनके साथ शामिल हुए। टीम ने इसे शेड्यूल के ज़्यादातर बैंकॉक में शूटिंग की। फिल्मांकन 10 दिनों के भीतर विजय ने शेड्यूल के लिए अपने हिस्सों की फिल्मांकन पूरा कर लिया और चेन्नई लौट आए। निर्माता थाईलैंड में ही रहे और अभिनेता को शामिल नहीं करने वाले हिस्सों फिल्माए। प्रभु ने कथित तौर पर 27 दिसंबर को शेड्यूल समाप्त होने से पहले महत्वपूर्ण दृश्यों की फिल्माने के लिए एक प्रमुख कलाकारों की एकजुट किया था और नए साल के अंतराल के बाद 7 जनवरी 2024 को श्रीलंका में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। 2 फरवरी को विजय ने एक और फिल्म पूरी करने की राजनीतिक प्रवेश करने के बाद फिल्मों में संन्यास की घोषणा की और जिसमें यह उनकी अंतिम फिल्म बन गई। सिद्धार्थ नोनी ने एक महत्वपूर्ण
दृश्यों की शूटिंग करने के लिए 3 कैमरों का इस्तेमाल किया था। ऐसा कुछ उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। फरवरी की शुरुआत में उन्होंने कहा कि फिल्मांकन का आधा हिस्सा पूरा हो गया था और 5 फरवरी को पांडिचेरी में एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू हुआ और इस शेड्यूल के दौरान विजय प्रशांत और देवा का एक फुटेज लीक हो गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। इसके चलते फिल्म के अधिकारी प्रौद्योगिकी सुरक्षा साझेदारी ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को लीक हुई सामग्री को साझा करने से चेतावनी दी और कहा कि लीक को हटा दिया जाएगा। मार्च की शुरुआत में यह बताया गया कि श्रीलीला को शामिल करने वाला एक आइटम नंबर तय किया गया था, हालांकि उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बाद में त्रिशा कृष्णा ने उनकी जगह ले ली और मटा गीत का उनका हिस्सा चेन्नई में शूट किया गया। निर्माताओं ने शुरू में मोरक्को निम्नलिखित कार्यक्रम में शूटिंग करने का फैसला किया था, हालांकि फिल्मांकन में स्थान को केरल के अंतिम रूप दिया गया था और वहाँ का कार्यक्रम 16 मार्च को शुरू होने वाला था, लेकिन 2 दिन बाद शुरू हुआ और कावलन 2011 के बाद विजय इस फिल्म के साथ फिल्मांकन के लिए केरल लौटेंगे, इसलिए उनके प्रशासन हवाई अड्डे के सामने इकट्ठा हुआ जहां अभिनेता उतरेंगे। सुबह 11 बजे शाम 5 बजे तक भीड़ जमा रहेगी। शेड्यूल की शूटिंग तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम के में शुरू हुआ। 21 मार्च को फिल्मांकन के दौरान आधी रात को स्टेडियम के बाहर अपने प्रशासकों को मौजूदगी के कारण विजय ने शूटिंग रोक दी, जिन उनसे मिले और उनका अभिवादन किया और अगले दिन अभिनेता प्रशंसकों के साथ वहां के एक बाहरी सभा की व्यवस्था की गई। अपने सामान्य ट्रेडमार्क के रूप में उन्होंने एक वीडियो लिया और इसे अपने सोशल मीडिया पेजों पर पोस्ट किया गया। निर्धारित भागों के लिए फिल्मांकन 23 मार्च को तक पूरा हो गया था। 7 अप्रैल को निर्माताओं ने अगले कार्यक्रम के लिए रूस के मास्को के लिए उड़ान भरी और कार्यक्रम की शुरुआती में फिल्माए गए दृश्यों को एक स्कूल परिसर में फिल्माया गया था। कार्यक्रम के एक पीछा करने का दृश्य फिल्माया गया था। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना वोट डालने के लिए विजय ने 18 अप्रैल को चेन्नई लौट आए। वापस उड़ान भरने से पहले अभिनेता को फिल्मांकन के दौरान चोट लग गई और मई के मध्य में निर्माताओं ने कथित तौर पर फिल्मांकन फिर से शुरू किया करने की संयुक्त राज्य अमरीका जाते हुए देखा गया था। मई के अंत में पुंडचेरी और उसका आसपास बीच रोड को और ओल्ड फोर्ट सहित कई प्रकार की और इन्होंने मार्च 2024 में वेंकट प्रभु ने पुष्टि की कि चेन्नई लॉस एंजल्स में फिल्मांकन के साथ साथ उन्होंने VFX और CGI कार्य शुरू हो गए थे। उन्होंने आगे कहा कि प्रभाव कार्य 5 कंपनियों द्वारा किया जाएगा और विजय ने मई के मध्य में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की और 14 मई 50% पूरा कर लिया और हरियर सुथान VFX के तहत फिल्म के विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर के साथ ही BH2 स्टूडियोज भी एक इसी इन्होंने डिजिटल इंटरमीडिएट के समालन टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि विजय के युवा चरित्र को दिखाने वाले 10 मिनट के लिए सीक्वेंस के लिए उन्नत डीएजिंग तकनीकी पर 6 करोड़ का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआत में फिल्म को जून में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी जो विजय के 50वें जन्मदिन के साथ मेल खाता था और हालांकि व्यापक पोस्ट प्रोडक्शन और VFX के कार्यों के कारण इसमें देरी हो गई थी और साउंड ट्रैक वन शंकर राजा द्वारा रचित और जो पुदिया गीतई 2003 के बाद विजय के साथ उनका दूसरा और प्रभु के साथ 10वां सहयोग एक ऑडियो लॉन्च आयोजित करने का इरादा था, लेकिन बाद में इसे अज्ञात कारणों से रद्द कर दिया गया था और उन्होंने वीक्वेल पोडो चिन्ना चिन्ना कंगाल स्पार्क और मट्टा वाले एल्बम को फिल्म के रिलीज से 2 दिन पहले 3 सितंबर 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म का फर्स्ट पोस्टर लुक उन्होंने 31 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था जिसमें फिल्म का शीर्षक का खुलासा किया गया था। टीजर ट्रेलर 22 जून को रिलीज किया गया था और विजय के 50वें जन्मदिन के अवसर पर था। फिल्म का आधिकारिक माल 25 अगस्त 2024 को फिल्मी डाइस मिसाकर कलर पार्ट्स और नम्मा ट्राइबर द्वारा लॉन्च किया गया था और 29 जुलाई 2024 को फिल्म की क्रिटिक्स प्रोड्यूस अर्चना कल्पना ने घोषणा की थी कि फिल्म के अपडेट अगले महीने से जारी किए जाएंगे और तीसरे सिंगल के आधिकारिक घोषणा पोस्टर जो 1 और 2 अगस्त को जारी किए गए दोनों को प्रशंसकों और आमतौर पर दर्शकों नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जिसमें से ज़्यादातर की आलोचना विजय के DH लुक के लिए की गई थी और इन्होंने इस प्रमोशनल फिल्म के अंतिम ट्रेलर 2024 में रिलीज किया गया था और ट्रेलर के विजय के DH लुक को सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था और जिसे पिछले समाचार सामग्री में उनके DH लुक से बेहतर माना गया। वेंकट प्रभु ने पुष्टि की कि यह पिछले आलोचनात्मक से जवाब में था और इन्होंने हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिल्म के बारे में। यह फिल्म 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, इसे जिसका निर्देशक वेंकट प्रभु ने किया और इसका निर्माण AGS एंटरटेनमेंट ने किया।
फिल्म ने विजय चार भूमिकाओं में, जिसका साथ प्रशांत, प्रभुदेवा, मोहन, जयराम, अजमल, अमीर, वैभव, योगी, बाबू, प्रेमिगी, अमरेन, स्नेहा, लैला, मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन या स्टूडियो को 25वां प्रोडक्शन है और जो और राजनीतिक प्रवेश से पहले विजय की यह अंतिम फिल्म है। फिल्म आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है, जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं के समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों में उपजी थी। फिल्म को आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था, क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की 68वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 तक अंत तक पूरी हो गई। फिल्मांकन स्थानों में चेन्नई, थाईलैंड, हैदराबाद, श्रीलंका, पुंडेचेरी, तिरुवनंतपुरम, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। फिल्म का संगीत उवान शंकर राजा ने तैयार किया है, छायांकन सिद्धार्थ नूनी ने किया है और संपादन वेंकट राजन ने किया है। 380 से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी AGS की सबसे महंगी फिल्म है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को 5 सितंबर 2024 को मानक और IMAX प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया, जिन्होंने विजय के प्रदर्शन, एक्शन दृश्यों और चरमोत्कर्ष की प्रशंसा की, जबकि चरित्र विकास और लेखक की कमी की आलोचना की गई थी। और इन्होंने इस फिल्म में 2008 में केन्या में MS गांधी और उनके साथियों सुनील त्यागराजन, कल्याण सुंदरम और अजय गोविंद से मिलकर बना विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ता के साथ आतंकवादी उमर को पकड़कर उससे यूरेनियम निकालता है। उनके पूर्व प्रमुख राजीव मेनन, जो देशद्रोह के आरोप के बाद फरार है, भी उसी ट्रेन में वे मेनन में यूरेनियम वापस लेते हैं और जिस ट्रेन में वह सवार थे उसे नष्ट कर देते हैं। यह मानते हुए कि मेनन सहित ट्रेन में सवार सभी लोग मर चुके हैं, दिल्ली में वापस टीम एक ट्रेवल एजेंसी के कर्मचारियों के रूप में गुप्त रूप से रहती है, अपने परिवारों से अपनी असली नौकरी छिपाती है। गांधी अपनी पत्नी अनुराधा अनु के साथ रहते हैं, जो गर्भवती है और उनका 5 वर्षीय बेटा जीवन है। गांधी का जब बैंकॉक में एक नया मिशन सौंपा जाता है तो वह अनु के व्यवसाय के संदेह को दूर करने के लिए अपने परिवार को साथ ले जाता है। मिशन पूरा करने के बाद गांधी और उसके परिवार पर हमला होता है, जिसके कारण अनु का प्रसव पीड़ा होती है और जीवन पर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ शव मिलता है जिसे वे जीवन की मानते हुए, जिससे गांधी तबाह हो जाती है और अनु एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन दुख के कारण गांधी से एक बात करना पर बंद कर देती है। 2024 तक गांधी ने दस्ते को छोड़ दिया और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आवर्जन अधिकारी के रूप में काम किया हुआ और अनु अलग अलग रहते हैं और उनकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है। कल्याण के सुझाव पर गांधी के पूर्व बॉस नजीर ने उन्हें फिर से खोले गए भारतीय दूतावास में नए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए मास्को जाने के लिए कहा। अनिच्छुक होने के बावजूद गांधी सहमत हो जाते हैं, लेकिन उनके रहने के दौरान दूतावास पर एक गिरोह का द्वारा हमला किया जाता है। गांधी उनसे लड़ता और हमलावरों में से एक हुआ डेप्लोगेंगर को देखकर चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि यह जीवन, और जब वह हमलावरों के बचाव में उसकी मदद करता है तो वह उसकी पुष्टि करता है। वे चेन्नई लौटते हैं अब और परिवार से मिलता है और अनु से फिर से शादी से बात करना शुरू करती है। नजीर ने गांधी को चेन्नई मेट्रो स्टेशन पर एक जरूरी बैठक के लिए बुलाया। गांधी हमलावरों से लड़ने के लिए समय पर पहुंच जाते हैं, लेकिन नजीर को नकाबपोश व्यक्ति द्वारा मार दिया जाता है, जो बाद में जीवन के रूप में सामने आता है और गांधी SATS के दस्ते में वापस आता और टीम लगाता है। कौन उनकी एजेंसी को खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहा है? नजीर के फोन में आजीवन और मास्को से उसके गिरोह के बारे में सारी जानकारी जीवन के साथी सह ने मेट्रो स्टेशन पर नजीर से फोन ले लिया। जब नजीर ने उसे गिरा दिया तो लेकिन सह जीवन को बताता है कि फोन गुम हो गया। यह पता चलता है कि जीवन पर पूरे समय मेनन के लिए काम कर रहा था और वह किसी कारण से गांधी के परिवार के पास आया था। यह भी पता चला कि मेनन 2008 में ट्रेन विस्फोट के में बच गया था, लेकिन इस घटना में उसका पूरा परिवार मर गया। बदला लेने के लिए उसने बैंकॉक में गांधी का पता लगाया, जीवन का अपहरण किया और उसे किशोर सुधार गृह में रखा गया।
जिससे उसे डर पैदा हो गया कि फिर उसने सुविधा के सदस्यों को मारकर जीवन को बचाया, उसका विश्वास जीता और उसका नाम बदलकर संजय रख दिया। मेनन द्वारा बहकाए गए जीवन को यह विश्वास हो गया कि गांधी उसके परिवार की मौतों के लिए जिम्मेदार है। इस नफरत से प्रेरित होकर जीवन ने अपना जीवन मेनन को गांधी से बदला लेने के लिए समर्पित कर दिया गया। डायमंड बाबू नामक चोर नाजीर और फोन चुरा लेते हैं जिसमें महत्वपूर्ण सबूत है। गांधी उसे वापस खरीदने की कोशिश करता है लेकिन जीवन बीच में आ जाता है और जिससे एक घातक टकराव होता है जिसमें अजय की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और अब्दुल और मेनन की गिरफ्तारी के बाद जीवन श्रीनिधि को अपहरण कर लेता है और अपनी रिहाई के लिए सुनील को ब्लैकमेल करता है। कल्याण मेनन की साथी के रूप में उजागर होकर गांधी को उन्हें मुक्त करने के लिए मना लेता है। जीवन श्रीनिधि का गला काट देता है और कल्याण उसे मुख्य गवाह बनने से रोकने के लिए उसका दम घोट देता है। शाह को पता लगाने के दौरान गांधी सहयोग से जीवन को ढूंढ लेता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। पूछताछ के दौरान वह सुनील की बंदूक जब्त कर लेता है और उसे मार डालता है और गांधी को उसे बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है जिससे जीवन भागने में सफल हो जाता है। हालांकि सुनील के जीवित होने का खुलासा होता है और वह कल्याण को मार देता है। इस बीच मेनन अनु का अपहरण करता लेता है और बमबारी की योजना का खुलासा करता। इस बात से अनजान किया गांधी की चाल है। गांधी मेनन को पकड़ लेता और उसे जीवन से बातचीत करने के लिए एमए चिदंबरम स्टेडियम ले जाता और जिसमें बमबारी रुक जाती है। जीवन की योजना स्टेडियम में कई बम विस्फोट करने की और गांधी को देशद्रोह के आरोप में फंसाने की वह जीवन के गुंडों को वश करने करता और उसका सामना करता और अंततः स्टेडियम के ऊपर उसे मार डालता है। मिड क्रेडिट सीन में यह पता चलता है कि जीवन वास्तव में एक क्लोन था। असली जीवन उसे अब संजय के नाम से जाना जाता है। मानव क्लोनिंग में विशेषज्ञता प्राप्त एक वैज्ञानिक और उसने अपनी गंदी योजनाओं को जारी रखने के लिए क्लोन तैयार किया है और उन्होंने इस नवंबर 2021 के अंत में विजय योजना ने निर्देशक इटली के साथ 3 सफल फिल्मों में काम किया था जो मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी 68वीं फिल्म फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी। थेरी 2016, मर्सल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान 2023 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी और इसी बीच विजय दो परियोजनाओं वारिसु और लियो दोनों 2023 पर काम करेंगे और इसे 24 दिसंबर को उवान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की तस्वीर पोस्ट की जिसे फुदिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्मिलन के संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था। विजय और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टों पूरे 2022 तक जारी रही। उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मांकन जून 2023 में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून 2023 थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि अगले मई में इटली को इस परियोजना को निर्देशन नहीं करने की पुष्टि हुई और क्योंकि उन्होंने एक अन्य फिल्म हिंदी फिल्म साइन अप की जो बेबी और नवंबर 2021 में के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ 3 सफल फिल्मों में काम किया था जो मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी 68वीं फिल्म है फिर से यह उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी और थेरी 2016, मार्शल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान 2023 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी और इस बीच विजय दो परियोजनाओं वारिसु और लियो दोनों 2023 पर काम करेंगे और 24 दिसंबर को विवान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की तस्वीर पोस्ट की जिससे पुदिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य के पुनर्मिलन के संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था। विजय और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टों पर 2022 तक जारी रही। उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मांकन जून 2023 में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून 2023 थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था।
हालांकि अगले मई में इटली और इस परियोजनाओं का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि हुई, क्योंकि उन्होंने एक अन्य फिल्म हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन में 2024 बन गई थी। विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी जिनमें से निर्देशक वेंकट प्रभु और गोपीचंद मालिनी ने की पटकथाएँ भी शामिल थी और इसे 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी 68वीं फिल्म प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी, जिसे अस्थायी रूप से थलापति 68 के शीर्षक दिया गया। एजीएस एंटरटेनमेंट ने फिल्म का निर्माण करेगी, जबकि अर्चना कल्पना ने इस कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना ने रचनात्मक रूप से इसकी पुष्टि की गई थी, और जबकि और प्रोडक्शन हाउस और सबसे महंगा और 25वां फिल्म निर्माण है। यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनी थी। अगले अगस्त टीम विजय के पत्रों में एक प्रारूप बनाने के लिए विजुअल इंफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजिल्स के लिए रवाना हुई। इस तकनीकी का इस्तेमाल पहले फैन 2016 और इंडियन 2024 के लिए किया गया था। फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 31 दिसंबर 2023 को घोषित किया गया था। फिल्म की साइंस फिक्शन फिल्म बताया गया था। फिल्म के रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया। घोषणा से 10 महीने पहले प्रभु ने विजय के से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था, जिसे बाद में विकसित करने का अनुरोध किया गया था, और मई 2023 की शुरुआत में विकसित पूरा करने के बाद प्रभु ने उस महीने के अंत में फिर से विजय से मुलाकात की और पटकथा सुनाई। इसके बाद विजय ने स्क्रिप्ट की मंजूरी दी और उसे अंतिम रूप दिया गया। प्रभु ने विजय के साथ फिल्म की पटकथा और संवाद लिखे। अतिरिक्त पटकथा के चंद्रू और अजालारसु गुणशेखरन ने लिखी और 2 अक्टूबर 2023 को चेन्नई की प्रसाद लैब्स में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई थी। उसी महीने सिद्धार्थ नोनी को छायाकार के रूप में घोषित किया गया। वेंदु थानेन्दु काडू 2022 और कैप्टन मिलर 2024 के बाद उनकी तीसरी तमिल फिल्म में विजय और प्रभु के साथ उनकी पहली फिल्म थी। भगवान शंकर राजा को संगीत देने के लिए पुष्टि की गई थी। निर्देशक के साथ उनकी लगातार तीसरी फिल्म में उन्होंने कुल 10 फिल्मों की थी और तकनीकी दल में छायाकार सिद्धार्थ नोनी, संपादक वेंकट राजन, प्रोडक्शन डिजाइनर राजीवन नानिवियार, स्टंट कोरियोग्राफर दिलीप सुबरायन, कला निर्देशक शेखर और सूर्या राजीवन, कॉस्ट्यूम डिजाइनर वास्की भास्कर और पल्लवी सिंह शामिल है। एस एम वेंकट मणिकम को कार्यकारी निर्माता नियुक्त किया गया था। विजय ने एक बुजुर्ग और एक युवा चरित्र के रूप में दोहरी भूमिका निभाई है। युवा भूमिका के लिए उन्हें अपनी ट्रेडमार्क मोछा मुड़वानी पड़ी। युवा संस्करण को चित्रित करने के लिए डी एजिंग तकनीकी का उपयोग किया गया था और शुरुआत में भूमिकाओं के लिए प्रभु की पसंद में बड़े किरदार के लिए रजनीकांत और छोटे के लिए धनुष शामिल थे। शुरुआत में ज्योतिका को मुख्य महिला भूमिका को पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया गया क्योंकि भूमिका का इसे कोई लेना देना नहीं था, और बाद में मीनाक्षी चौधरी और स्नेहा को मुख्य महिला भूमिका के लिए लिया गया, जिसमें चौधरी ने युवा विजय के साथ जोड़ी बनाई अभिनेता के साथ अपने पहले सहयोग में, जबकि स्नेहा वसीगरा 2003 में उनके साथ काम करने के बाद विजय के साथ फिर से जुड़ गई। प्रभु देवा का एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों में शामिल हुए। 2 फिल्मों का निर्देशन करने के बाद विजय के साथ उनका पहला अभिनय साथ था और सहयोग था, जबकि प्रशांत एक महत्वपूर्ण भूमिका में आगे लिया गया जो पहली बार बाद में उनके साथ सहयोग कर रहे थे। लैला वैभव मोहन जयराम और अजमल आमिर, योगी बाबू, वीटीवी गणेश, प्रभु के लगातार सहयोगी प्रेमगी अमरेन, अरविंद, आकाश और अजय राज प्रमुख भूमिकाओं निभाने की घोषणा की गई थी। बाबू और गणेश ने प्रभु के साथ अपना पहला सहयोग किया। मुहूर्त पूजा में उनकी उपस्थिति के दौरान उनके शामिल होने की पुष्टि की गई थी और माधवन और अरविंद स्वामी मोहन की भूमिका के लिए मूल पसंद थे और स्नेहा के लिए ज्योतिका का सिमरन या नयनतारा पार्वती नायर। खुलासा किया गया कि वह जनवरी 2024 में कलाकारों का हिस्सा थी। युगेंद्रन फिल्म का प्रारंभिक शूटिंग में मौजूद थे, जिससे उनकी उपस्थिति की पुष्टि हुई। वह तिरुपाति 2005 के बाद विजय के साथ अभिनय करेंगे। दिवंगत विजयकांत की पत्नी प्रेमलता ने पुष्टि की कि बाद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता में के उपयोग में के साथ फिल्म के लिए एक दृश्य में उन्हें दिखाया जाएगा। वाईजी महेंद्रन ने कहा कि वह फिल्म बीट के साथ एक साक्षात्कार के दौरान एक कैमियो भूमिका भी निभाएंगे।
अयाज खान ने जीवन और एक किशोर के रूप में चित्रित किया, जिसमें उसका चेहरा विजय से मिलता जुलता डिजिटल रूप से रूपांतरित किया गया था। और यह मुख्य फोटोग्राफी 3 अक्टूबर 2023 को चेन्नई के प्रसाद लैब्स पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी। इन्होंने इस फिल्म में कई प्रकार की भूमिका भी निभाई थी और राज सुंदरम द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था और विजय प्रसन्न देवा और अजमल पर फिल्माया गया। एक गाना सिक्वेंस सबसे पहले फिल्माया गया था। कथित तौर पर निर्माताओं ने इस सीक्वेंस के लिए AI का इस्तेमाल किया गया, जो 9 अक्टूबर तक समाप्त हुआ गया था और दूसरा शेड्यूल 30 अक्टूबर को थाईलैंड में शुरू हुआ, जिसमें विजय 3 नवंबर को उनके साथ शामिल हुए। टीम ने इसे शेड्यूल के ज़्यादातर बैंकॉक में शूटिंग की। फिल्मांकन 10 दिनों के भीतर विजय ने शेड्यूल के लिए अपने हिस्सों की फिल्मांकन पूरा कर लिया और चेन्नई लौट आए। निर्माता थाईलैंड में ही रहे और अभिनेता को शामिल नहीं करने वाले हिस्सों फिल्माए। प्रभु ने कथित तौर पर 27 दिसंबर को शेड्यूल समाप्त होने से पहले महत्वपूर्ण दृश्यों की फिल्माने के लिए एक प्रमुख कलाकारों की एकजुट किया था और नए साल के अंतराल के बाद 7 जनवरी 2024 को श्रीलंका में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। 2 फरवरी को विजय ने एक और फिल्म पूरी करने की, राजनीतिक प्रवेश करने के बाद फिल्मों में संन्यास की घोषणा की और जिसमें यह उनकी अंतिम फिल्म बन गई। सिद्धार्थ नूनी ने एक महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग करने के लिए 3 कैमरों का इस्तेमाल किया था। ऐसा कुछ उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। फरवरी की शुरुआत में उन्होंने कहा कि फिल्मांकन का आधा हिस्सा पूरा हो गया था और 5 फरवरी को पांडिचेरी में एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू हुआ और इस शेड्यूल के दौरान विजय प्रशांत और देवा का एक फुटेज लीक हो गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। इसके चलते फिल्म के अधिकारी प्रौद्योगिकी सुरक्षा साझेदारी ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को लीक हुई सामग्री को सजा करने से चेतावनी दी और कहा कि लीक को हटा दिया जाएगा। मार्च की शुरुआत में यह बताया गया कि श्रीलीला को शामिल करने वाला एक आइटम नंबर तय किया गया था, हालांकि उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बाद में त्रिशा कृष्णा ने उनकी जगह ले ली और मटा गीत का उनका हिस्सा चेन्नई में शूट किया गया। निर्माताओं ने शुरू में मोरक्को निम्नलिखित कार्यक्रम में शूटिंग करने का फैसला किया था, हालांकि फिल्मांकन में स्थान को केरल के अंतिम रूप दिया गया था और वहाँ का कार्यक्रम 16 मार्च को शुरू होने वाला था, लेकिन 2 दिन बाद शुरू हुआ। और कावलन 2011 के बाद विजय इस फिल्म के साथ फिल्मांकन के लिए केरल लौटेंगे, इसलिए उनके प्रशासन हवाई अड्डे के सामने इकट्ठा हुआ जहां अभिनेता उतरेंगे। सुबह 11 बजे शाम 5 बजे तक भीड़ जमा रहेगी। शेड्यूल की शूटिंग तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम के में शुरू हुआ। 21 मार्च को फिल्मांकन के दौरान आधी रात को स्टेडियम के बाहर अपने प्रशासकों को मौजूदगी के कारण विजय ने शूटिंग रोक दी, उनसे मिले और उनका अभिवादन किया और अगले दिन अभिनेता प्रशंसकों के साथ वहां के एक बाहरी सभा की व्यवस्था की गई। अपने सामान्य ट्रेडमार्क के रूप में उन्होंने एक वीडियो लिया और इसे अपने सोशल मीडिया पेजों पर पोस्ट किया गया। निर्धारित भागों के लिए फिल्मांकन 23 मार्च को तक पूरा हो गया था। 7 अप्रैल को निर्माताओं ने अगले कार्यक्रम के लिए रूस के मास्को के लिए उड़ान भरी और कार्यक्रम की शुरुआती में फिल्माए गए दृश्यों को एक स्कूल परिसर में फिल्माया गया था। कार्यक्रम के एक पीछा करने का दृश्य फिल्माया गया था। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना वोट डालने के लिए विजय ने 18 अप्रैल को चेन्नई लौट आए। वापस उड़ान भरने से पहले अभिनेता को फिल्मांकन के दौरान चोट लग गई और मई के मध्य में निर्माताओं ने कथित तौर पर फिल्मांकन फिर से शुरू किया करने की संयुक्त राज्य अमरीका जाते हुए देखा गया था। मई के अंत में पुंडेचरी और उसका आसपास बीच रोड को और ओल्ड फोर्ट सहित कई प्रकार की और इन्होंने मार्च 2024 में वेंकट प्रभु ने पुष्टि की कि चेन्नई लॉस एंजल्स में फिल्मांकन के साथ साथ उन्होंने VFX और CGI कार्य शुरू हो गए थे। उन्होंने आगे कहा कि प्रभाव कार्य 5 कंपनियों द्वारा किया जाएगा और विजय ने मई के मध्य में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की और 14 मई 50% पूरा कर लिया और हरियर सुथान VFX के तहत फिल्म के विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर के साथ ही BH2 स्टूडियोज भी एक इसी इन्होंने डिजिटल इंटरमीडिएट के सम्मेलन टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि विजय के युवा चरित्र को दिखाने 10 मिनट के लिए सीक्वेंस के लिए उन्नत डीएजिंग तकनीकी पर 6 करोड़ का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआत में फिल्म को जून में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, जो विजय के 50वें जन्मदिन के साथ मेल खाता था और घटना के व्यापक पोस्ट प्रोडक्शन और VFX के कार्यों के कारण इसमें देरी हो गई थी और साउंड ट्रैक वन शंकर राजा
द्वारा रचित और जो फुदिया गीताई 2003 के बाद विजय के साथ उनका दूसरा और प्रभु के साथ 10वां सहयोग है। एक ऑडियो लॉन्च आयोजित करने का इरादा था लेकिन बाद में इसे अज्ञात कारणों से रद्द कर दिया गया था और उन्होंने वीक्वेल पोडो छिन्ना छिन्ना कंगाल स्पार्क और मट्टा वाले एल्बम को फिल्म की रिलीज से दो दिन पहले 3 सितंबर 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म का फर्स्ट पोस्टर लुक उन्होंने 31 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था जिसमें फिल्म का शीर्षक का खुलासा किया गया था। टीजर ट्रेलर 22 जून को रिलीज किया गया था और विजय के 50वें जन्मदिन के अवसर पर था। फिल्म का आधिकारिक माल 25 अगस्त 2024 को फिल्मी डाइस मिसाकर कलर पार्ट्स और नम्मा ट्राइबर द्वारा लॉन्च किया गया था और 29 जुलाई 2024 को फिल्म की क्रिटिक्स प्रोड्यूस अर्चना कल्पना ने घोषणा की थी कि फिल्म के अपडेट अगले महीने से जारी किए जाएंगे और तीसरे सिंगल के आधिकारिक घोषणा पोस्टर जो 1 और 2 अगस्त को जारी किए गए दोनों को प्रशंसकों और आमतौर पर दर्शकों नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जिसमें से ज़्यादातर की आलोचना विजय के डीएच लुक के लिए की गई थी और इन्होंने इस प्रमोशनल फिल्म के अंतिम ट्रेलर अगस्त 2024 में रिलीज किया गया था और ट्रेलर की विजय के डीएच लुक को सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था और जिसे पिछले समाचार सामग्री में उनके डीएच लुक से बेहतर माना गया। वेंकट प्रभु ने पुष्टि की कि यह पिछले आलोचनात्मक से जवाब में था।